धरती के सारे जीवों में से मनुष्य ही अकेला ऐसा जीव है जो अपने व्यवहार के तरीके में बदलाव ला सकता है। मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकता है। हमारी पीढ़ी की महानतम क्रांतिकारी घटना इस बात की खोज है कि मनुष्य अपने आंतरिक व्यवहार को बदलकर अपने जीवन के बाहरी परिदृश्य को बदल सकता है। विलियम जेम्स। पुस्तक का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे। लेखक है सी जेम्स जेंसन। परिचय। डॉक्टर जोसेफ मर्फी आत्म छवि मनोविज्ञान के प्रणेता थे। मैं उनकी शिक्षा के बारे में सबसे पहले 1969 में जाना। इससे पहले मैंने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना था, न ही मैं यह जानता था कि उन्होंने 1963 में आपके अवचेतन मन की शक्ति नामक पुस्तक लिखी है। अक्टूबर 1969 में मैंने और मेरी पत्नी जैरी ने कार्यकारी गति की नामक 4 दिवसीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया। इस संगोष्ठी को स्वर्गीय जॉन बायल ने संचालित किया था। इस संगोष्ठी को बाद में ओमेगा नाम दिया गया। हम दोनों इस संगोष्ठी में बताई गई बातों से बेहद प्रभावित हुए, क्योंकि इससे पहले हमें इस तरह की बातें जानने का अवसर ही नहीं मिला था। इन 4 दिनों में हमने यह भी सीखा कि चेतन और अवचेतन मन के बीच का रिश्ता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हमने यह भी जाना कि किस तरह अवचेतन मन केवल चेतन मन को निर्देशों का पालन करता है, चाहे वे सही हो या गलत। हम लगातार अपने आप से बातचीत करते रहते हैं, स्वसंवाद, जिसके द्वारा हम अपने बारे में सतत आकलन करते रहते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद, हम किस में अच्छे हैं और किस में अयोग्य। इस पुस्तक से हम सीखेंगे किस तरह हमारा व्यवहार, विश्वास, मत और निर्णय हमें और हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। अधिकतर लोग अपने आप को इस तरह देखते चलते हैं कि वे जीवन के किसी क्षेत्र में तो बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, मगर किसी क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। जॉन बायल से हमने यह भी सीखा कि हम स्वयं अपनी उन धारणाओं और विचारों को बदल सकते हैं या उन्हें पुनः आकार दे सकते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, और इसके लिए विशेष तरीके होते हैं जिसके द्वारा बदलाव की इस प्रक्रिया को संचालित किया जाता है। इन तरीकों के बारे में पुस्तक में बताया गया है। अगले 40 वर्षों तक मैं न केवल ओमेगा की संगठनों में नियमित रूप से भाग लेता रहा, वरन मैं ओमेगा का उत्साही प्रशिक्षक भी बन गया। मैं अक्सर जॉन से ओमेगा की विषय वस्तु के बारे में पूछा करता था कि यह सब उसने कहाँ से सीखा। उसका उत्तर था कि यह सब उसने जोसेफ मर्फी नामक व्यक्ति से सीखा। उस समय इंटरनेट प्रचलन में आया नहीं था, अतः गूगल करके जोसेफ मर्फी के बारे में जाना नहीं जा सकता था। डॉक्टर मर्फी ने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, यह जॉन ने मुझे नहीं बताया। जैसे जैसे मैं ओमेगा के सिद्धांतों को समझाने लगा और उन्हें धारा प्रवाह रूप से समझाने लगा, मैंने ओमेगा से बाहर होने वाले संगोष्ठियों और अन्य पुस्तकों की खोज करनी भी शुरू कर दी, जिससे अवचेतन मन की शक्ति और हमारे निर्देशित विचारों की शक्ति के बारे में अपनी समझ को और अधिक पुख्ता कर सकूं। और धीरे धीरे कई रास्ते एक ही लेखक की ओर जाते दिखने लगे, और वह लेखक थे डॉक्टर जोसेफ मर्फी। 2005 में मेरा एक सहकर्मी टॉम पोपा मेरे दफ्तर में आया और उसने मुझे एक पुस्तक दी जिसके बारे में उसका ख्याल था कि मुझे उसे पढ़कर आनंद आएगा। यह पुस्तक थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर मर्फी ने लिखा था। मैंने सोचा, हे भगवान, क्या सचमुच वे ही जोसेफ मर्फी हैं जिनके साथ जॉन बायल ने अध्ययन किया है? और वे वही थे।
जैसे जैसे मैं पुस्तक पढ़ता गया, मुझे एहसास हुआ कि ओमेगा संगोष्ठी की समस्त विषय वस्तु इसी पुस्तक से ली गई थी। और जॉन बॉयल की यह खूबी थी कि उन्होंने 4 दिन की संगोष्ठी की रूपरेखा इस तरह से बनाई थी कि सहभागी इस अवधारणा को पूरी तरह से समझ सके और उन तरीकों को जान सके जिनके द्वारा वे अपने जीवन की मनचाही दिशा दे सके। जैसा कि परिचय में पहले भी कहा गया है कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी आत्म छवि मनोविज्ञान के पहले प्रणेताओं में एक थे। उनकी पुस्तक पहले 1963 में लिखी गई थी। आने वाले वर्षों में पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में कई नवीन शोध हुए। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वह दुनिया आज से 50 साल पहले की दुनिया से बिल्कुल अलग है। मेरे मन में पहले यह विचार आया था कि नवीन शोधों के आधार पर डॉक्टर मर्फी की मूल पुस्तकों को संशोधित किया जाए और उस पर संशोधित संपादित प्रति लिख कर उसे मूल शीर्षक आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे के नाम से ही प्रकाशित किया जाए। मगर जैसे जैसे मैं अपने शोध और संपादित अंशों के साथ आगे बढ़ता गया, मुझे अधिकाधिक जानकारी मिलती गई जिसने मुझे डॉक्टर मर्फी के काम को आज की 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकने योग्य बनाया। मैंने डॉक्टर मर्फी की इस पुस्तक के संशोधित अंक में पाठकों को इस क्षेत्र में हुए नवीन शोधों से परिचित कराया है। मैंने कई ऐसे तरीकों को भी इसमें शामिल किया है जो मूल लेखन में नहीं थे। इससे पाठक आसानी से डॉक्टर मर्फी द्वारा लिखे गए मूल पाठ और मेरे द्वारा जोड़े गए पाठ में अंतर कर सकेंगे। मैंने इसे दर्शाने के लिए लेखन के अलग अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल भी किया है। मुझे विश्वास है कि यह संशोधित अंक कई लोगों के जीवन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इस पुस्तक में बताई गई बातें हमारे यहाँ किसी भी स्कूल या विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जाती। जैसा कि जेन रॉबर्ट्स की महान पुस्तक सेथ स्पीक्स में लिखा है, मैंने सुना है कि कई लोगों में न्यूयॉर्क में रहने के बावजूद एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नहीं देखा है, जबकि कई विदेशी यात्री से भली भांति परिचित हैं। आपके आसपास शरीर के बारे में भौतिक सूचनाएं हो सकती है, मगर मैं तब भी आपके वास्तविकता के तंत्र के अंदर कई चमत्कृत करने वाली मानसिक और मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को बता सकता हूँ जिन्हें आप अब तक अनदेखा करते आए हैं। सच कहूँ तो मैं इससे भी अधिक कुछ कर सकता हूँ। मैं आपको आपके अंदर विद्यमान वास्तविकता के हर स्तर के भ्रमण पर ले जाता हूँ, आपकी उस यात्रा के लिए जिसमें आप अपने मानसिक संरचना के विविध आयामों के दर्शन करने वाले हैं। मैं आपका निर्देशन करता हूँ, आपकी चेतनता के हर एक क्षेत्र की खोज करने में जिनके बारे में आप अब तक कुछ नहीं जानते, मैं आपका पथ प्रदर्शन करने वाला हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि यह पुस्तक न केवल व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष को जानने में पाठकों को मदद करेगी, वरन उनके अंदर छिपी उस महानतम पहचान को जानने का मौका भी प्रदान करेगी। यही वह विश्वास है जो डॉक्टर मर्फी और मैं आपको इस पुस्तक के अगले पृष्ठों के माध्यम से देने की इच्छा रखते हैं। प्रस्तावना द्वारा ली पुलोस, PhD, ABBP। यह मेरे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसी पुस्तक की प्रस्तावना लिखने के लिए कहा गया जिसे मैंने पहली बार आज से 40 साल पहले पढ़ा था और मुझे उस समय अनुभव किए गए दृश्यावलोकन और मनोवैज्ञानिक रोमांच के क्षण अब तक याद है। यह पुस्तक वह नहीं है जिसे मैंने पहली बार पढ़ा। इसे जिम जेंसन ने कुशलता और बुद्धिमत्ता से संपादित किया है और कुछ अवधारणाओं को जो 1963 तक जो सही समझी जाती थी मगर आज ठीक नहीं है, उन्हें आज के तंत्रिका विज्ञान, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और शोधों के संदर्भ में पुनः निरूपित किया है।
इस संपादन से आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे पुस्तक मूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हमारा अहंकार या चेतन मन की वास्तविकता के ऊपरी स्तर पर ही विचरण करते हैं और इसकी जागरूकता और ध्यान केवल 5 इंद्रियों के सीमित अनुभव पर ही केंद्रित रहते हैं। जो भी हो, हमारे मन के अनजाने और विशिष्ट पहलू जीवन की निरस्ता में छिपे रहते हैं। दुर्भाग्यवश आज अधिकतर वैज्ञानिक ये विश्वास रखते हैं कि मन मस्तिष्क में कुछ विशेष रहस्यमयी अणुओं की आपसी क्रियाओं द्वारा मन का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात मन का निर्माण पदार्थ से होता है। यह हम कौन है इस बात का बड़ा सीमित और न्यूनकालीन विवरण देते हैं। हम और हमारा अस्तित्व मानव क्षमता के ब्रह्मांडीय निराशावाद के प्रतीक है। जो भी हो, हमारी बुद्धि की विविध सीमाओं और चेतना के गलियारों के बारे में जोसेफ मर्फी की उत्कृष्ट अंतर्दृष्टि ने हजारों स्त्री पुरुषों को यह खोजने में मदद की है कि हमारे मन और हृदय की गहराई में क्या छिपा है। वह सब जिसे हम भूल चले थे, यह कि हम अपने तार्किक मन से परे भी बहुत कुछ हैं। यह पुस्तक कुछ पुरानी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की बातें भी याद दिलाती हैं, जैसे बुद्ध की, जिसने कहा था, मनुष्य अपने विचारों का ही उत्पाद होता है। और इससे भी परंपरा भगवद गीता की, जो कहती है, मनुष्य अपने विश्वासों से आकार लेता है, वह जिसमें विश्वास करता है वैसा ही हो जाता है। हमारे तार्किक मन हमारी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने में कई रुकावटें उत्पन्न करती है, कई। यह एक भौतिक लक्ष्य पर सूक्ष्म ध्यान केंद्रण द्वारा हमारी क्षमताओं को सीमित करता है, साथ ही दार्शनिक रूप से हमारे अवचेतन मन, जो हमारी शक्ति का सच्चा स्रोत है, के प्रयोगात्मक रंगमंच से दूर करता है। हमारे मन के विविध क्षेत्र, जैसे हमारे पूर्वानुमान, हमारी असामान्य जागरूकता, हमारे सपने, कॉस्मिक सूचनात्मक क्षेत्र से हमारे संबंध, हमारा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक परिदृश्य, हमारा रहस्यवाद, ये सभी हमारी शक्ति के सच्चे स्रोत हैं। यह पुस्तक हर आयु वर्ग के लोगों के लिए है, क्योंकि यह पुस्तक कुछ विकासवादी साहसिक सुझाव देती है, जिन्हें एक 12 वर्ष के बच्चे से लेकर उसके बूढ़े दादाजी तक समझ सकते हैं और आसानी से व्यवहार में ला सकते हैं। यह आइंस्टीन के एक महत्वपूर्ण कथन का भी अनुसरण करती है, जो कहते हैं, हर एक बात को जितना सरल कर सको उतना सरल करो, मगर उसे सरलतम मत बनाओ। आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे इस पुस्तक को पढ़ते हुए मैं गहरे अक्षरों में लिखे हुए डॉक्टर मर्फी और जेनसन के उन विचारों को पढ़कर बड़ा ही आनंदित हुआ, जिनमें चमत्कार उत्पन्न करने की शक्ति है और जो यह बताते हैं कि आपके मन को किस तरह जागरूक करें कि शारीरिक और मानसिक उपचार में हमारी मदद करें। अपने समित विश्वासों और भयजनित व्यवहार के दायरे से बाहर आना, संपत्ति हेतु जागरूकता उत्पन्न करने की योग्यता विकसित करना, उपचार के स्वप्न निर्मित करना, सफलता के रास्ते में आ रही रुकावटों को दूर करना और किस तरह अपने अवचेतन मन को पुनः शिक्षित और पुनः क्रमादेशित करना ताकि वह हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हमारी सहायता करे और हमारे लिए सर्वाधिक अनुकूल, स्नेह भरे, सफल, स्वस्थ भविष्य का निर्माण कर सके। और हाँ, पुस्तक में इससे अधिक बातें हैं। इस पुस्तक को पढ़ते हुए जो बात बार बार मेरे मन में ध्वनित हो रही है वह यही है कि हमारा जीवन किस तरह हमारे विचारों और धारणाओं का प्रतिरूप है। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में घटता है और हमारे विश्वास और धारणाएं ही उन बातों को तय करती है जिन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे जीवन के अनुभव, हमारे विश्वास, अपेक्षाएं, ध्यान और इरादों का ही अनुसरण करते हैं। मर्फी और जेनसन की अंतर्दृष्टि के निहितार्थ असीमित है, जिसमें यदि हम अपने सीमित विचारों पर काम नहीं करते तो ये विचार हमारे स्वास्थ्य, काम,
रिश्ते, आर्थिक स्थिति या जीवन के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने लगेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जोसेफ ऐसे तरीके और तकनीकें सुझाते हैं जो हम हमारे अवरोधों से पार करने में मदद करती थी, जो परिवर्तन के रास्ते में बाधा बने रहते हैं। जो भी हो, हर एक सफलता या असफलता की जड़ में आत्मविश्वास की बड़ी भूमिका रहती है। हम अपने जीवन में किस तरह के अनुभवों को आमंत्रित करेंगे, इसका पूरा दारोमदार हमारे आत्मविश्वास पर ही होता है। आत्मविश्वास हमारे जीवन के पहिए की धुरी है जो हमारे जीवन के उन सभी तारों को एक साथ बांधती है जो हमारे सपनों को आसानी से बिना तनाव के और बिना संघर्ष के पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। अपने पास आने वाले हजारों मरीजों में मैंने कई तरह की समस्याएं देखी है और मैं यह दावे से कह सकता हूं कि जिनमें से 95% लोगों की समस्याएं आत्मविश्वास की कमी के चलते पैदा हुई थी। आत्मविश्वास जो योग्यता और अयोग्यता की अनुभूति देता है, जो प्रेम, सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए हमारे स्वयोग्यता को मजबूत करता है। सरल शब्दों में कहें तो यह पुस्तक अवचेतन मन को स्वर देने के लिए 3 महत्वपूर्ण उपकरणों का उल्लेख करती है। परिवर्तन के लिए पहला उपकरण है इच्छा करना। सभी परिवर्तन इच्छा के साथ ही शुरू होते हैं। यह क्षमता का शुद्धतम रूप है जो परिवर्तन की मांग करता है। इसकी तुलना किसी जानवर के पेट में लगी भूख की आग से की जा सकती है। यहाँ तक कि प्लेटो भी इच्छा के महत्व को मान्यता देते हैं। उनके शब्दों में, अपनी आत्मा को इच्छा के प्रति पागलपन की हद तक जाने दें। दूसरा उपकरण है उपेक्षा, जो कि इच्छा का अनुसरण करती है। अपेक्षाएं हमारे मन के छिपे हुए दैत्य अवचेतन मन को जगाती है। यह हमारे मन के व्यवहार और हमारी आत्मा भविष्यवाणी को पूरा करने के लायक बनाती है। हमारे जीवन के सभी लक्ष्यों को हासिल करने की जड़ में अपेक्षा ही होती है। अपेक्षाओं की कमी करने का अर्थ है आप सफल नहीं होंगे। अभिव्यक्ति का तीसरा उपकरण है कल्पना, अर्थात भविष्य में जिस बात को आप हासिल करना चाहते हैं उसे कल्पना में घटते हुए देखना और उसका मानसिक चित्र बनाना। कल्पना आपके लक्ष्यों में जीवन डालती है और यही वह मानसिक ऊर्जा है जो आपके शानदार और इष्टतम भविष्य का निर्माण करती है। यह पुस्तक एक संपूर्ण मानसिक उपकरणों का एक संदूक है जिसमें युगों का ज्ञान लिया गया है और इसे इस तरह की शब्दावली में ढाला गया है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और अपना सकते हैं कि कैसे हम अपने अतीत को भुलाकर अपनी सोच से अधिक की प्राप्ति कर सकते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह कि हमें आंतरिक स्व के साथ जोड़ती है और इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए मन में उठने वाले तरफ ही इसका जादुई प्रभाव है। लिली पोस्ट PhD ABP क्लिनिक मनोवैज्ञानिक, द बायोलॉजी ऑफ एम्पावरमेंट एंड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के लेखक। आपके अवचेतन मन की शक्ति से आगे, यह पुस्तक कैसे आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है, द्वारा डॉक्टर जोसेफ मर्फी। मैंने दुनिया के लोगों के जीवन में हर पड़ाव पर चमत्कार होते देखे हैं। ये चमत्कार आपके जीवन में भी घटित हो सकते हैं यदि आप अपने अवचेतन मन की जादू शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह बताने के उद्देश्य से लिखी गई है कि आपकी विचारधारा और कल्पनाशीलता आपके भाग्य को आपके मनोअनुकूल ढालती है, आकार देती है और उसका निर्माण करती है। एक व्यक्ति अपने अवचेतन मन में स्वतः के लिए जो कुछ भी सोचता है वह वैसा ही हो जाता है। इस पुस्तक की विशेषता, इस पुस्तक की सबसे खास बात यह है कि यह पूर्ण रूप से व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। इसमें आपके लिए सरल उपयोग में लाए जाने लायक सूत्रों और तकनीकों को इस्तेमाल किया गया है, शामिल किया गया है, जिनका उपयोग आप आसानी से दैनिक जीवन में कर सकते हैं। मैंने इन आसान तकनीकों को सारी दुनिया के स्त्री पुरुषों को सिखाया है और हाल ही में लॉस एंजल्स में हुए विशेष सेमिनार में मैंने इस पुस्तक की खास बातों को हजारों लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक
आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसे पढ़ने के बाद आप यह जान सकेंगे कि क्यों आप अक्सर जो चाहते हैं, जिसकी इच्छा करते हैं, ठीक उसके उल्टे आपको मिलता है। यह पुस्तक इसके पीछे छिपे कारण को आपके समक्ष लाएगी। दुनिया के हर हिस्से के लोगों ने मुझसे हजारों बार पूछा है, मैंने हजारों बार कोई प्रश्न, कोई प्रार्थना की है, मगर मुझे इसका उत्तर कभी नहीं मिला। इस पुस्तक में आपको इस शिकायत का उत्तर मिलेगा। अवचेतन मन को अपने प्रभाव में लाने और सही उत्तर पाने के ढेरों तरीकों से युक्त होने के कारण यह पुस्तक एक उत्कृष्ट और कीमती पुस्तक बन पड़ी है, जो किसी भी संकट या तकलीफ के समय आपकी सहायता को प्रस्तुत होगी। सभी व्यक्तियों के भीतर एक मन होता है, एमर्सन। आपके अवचेतन मन की शक्ति तो दुनिया में तब से मौजूद है जब मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे। इसी विचार के साथ मैं इस पुस्तक के सभी अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आपके अवचेतन मन की उस आश्चर्यजनक जादुई और परिवर्तन शक्ति को पहचान सकें, उसे धारण कर सकें, ताकि वह आपके मानसिक और शारीरिक जख्मों को भर सके, मन को भयमुक्त कर सके और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी और निराशा के बंधन से पूरी तरह मुक्त कर सके। आपको सिर्फ इतना करना है कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से उन सभी अच्छी बातों के साथ एक रूप हो जाएं जिन्हें आप अपने जीवन में घटते हुए देखना चाहते हैं। आप अवचेतन मन की रचनात्मक शक्ति आपकी इच्छा के मुताबिक ही कार्य करेगी। तो आज से ही शुरू करते हैं तो और आपके जीवन में चमत्कार घटते देखते हैं। सारे विचार प्रार्थनाएं हैं और सारे प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक या नकारात्मक, इसके बारे में सोचें। सारी विचार प्रार्थनाएं हैं और सारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। इस पुस्तक का प्रमुख नियम ही यह है, यदि कोई विचार हमारे चेतन मन में लगातार उपस्थित रहता है तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता में जरूर लाता है, उसे साकार करता है। यदि हमारी चाह और अपेक्षाओं में साम्य नहीं हो तो हम जो चाहते हैं हमें वह नहीं मिलता, वरन हम जिसकी अपेक्षा करते हैं वह हमें मिलता है। हम भले ही चाहते हों कि हम सफल वैवाहिक जीवन बिताएं या व्यापार में सफलता की ऊंचाइयों को छुएं, मगर हमारे चेतन मन में चल रहे संवाद यदि इस तरह के होंगे कि मेरी शादी टूटने वाली है या मुझे व्यापार में घाटा हो रहा है, तो हमारा चेतन मन इन संवादों के द्वारा हमारे अचेतन मन को ऐसा ही करने का आदेश दे रहा है और अवचेतन मन उसके आदेशों का पालन करता है। डॉक्टर मर्फी हमें यह दिखाना चाहते हैं, जब आपके सामने कोई दूसरा रास्ता ना हो तो साइबरनेटिक्स का उपयोग, अर्थात चेतन और अवचेतन मन के बीच स्थापित करना वह कुंजी है। साइबरनेटिक्स का उपयोग अर्थात चेतन और अवचेतन मन के बीच संवाद स्थापित करना वह कुंजी है जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकती है, साकार कर सकती है। जीवन में आपको वह नहीं मिलता जिसकी आप इच्छा करते हैं, जीवन में आपको वह नहीं मिलता जिसकी आप इच्छा करते हैं, मगर आपको वही मिलता है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। अंततः दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसे व्यवहार की आप उससे अपेक्षा रखते हैं। द गो गिवर्स, बर्ग और मान। अध्याय एक, आपके भीतर छुपा खजाना। अध्याय एक, आपके भीतर छिपा खजाना। आपके आसपास अथाह संपदा बिखरी पड़ी है, यदि आप अपने मन की आंखें खोलकर अपने अंदर छिपी इस अथाह संपदा को, अपने भीतर के खजाने को मन भर देख पाएं। आपके भीतर ही सोने की खदान है जिसमें आप चाहे
जितना सोना निकाल सकते हैं और उसके द्वारा भव्य आनंदित और साधन संपन्न जीवन बिता सकते हैं। हम में से कई लोग अब तक गहरी नींद में हैं क्योंकि वे अपने भीतर छिपे असीम बुद्धिमत्ता और अथाह प्रेम के इस खजाने के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस खजाने से आप जो भी चाहते हैं आसानी से पा सकते हैं। एक चुंबक का टुकड़ा अपने वजन से 20 गुना अधिक भार उठा सकता है, मगर यदि चुंबक की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर दिया जाए तो वह एक पंख सी हल्की वस्तु को भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग चुंबकीय व्यक्तित्व के होते हैं, वे आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरे हुए होते हैं। वे यह जानते हैं कि वे सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरे तरह के लोग वे होते हैं जो चुंबकीय शक्ति रहित होते हैं, अर्थात भय, शंका और असुरक्षा की भावनाओं से भरे होते हैं। अवसर आते हैं और वे कहते हैं, हो सकता है मैं सफल हो जाऊं, या मैं अपना धन गवा बैठूं, या लोग मुझ पर हंसें। इस तरह के व्यक्ति के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि यदि वे आगे बढ़ने से डरते हैं तो वे वहीं रहेंगे जहां वे आज खड़े हैं। चुंबकीय शक्ति को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं और युगों से चले आ रहे सफलता के परम रहस्य को खोज लें। सफलता का परम रहस्य, आपकी राय में युगों से चला आ रहा सफलता का परम रहस्य कौन होगा? आणविक ऊर्जा का रहस्य, परमाणु बम, दूसरे ग्रह का प्रवास? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। फिर भी यह परम रहस्य आखिर है क्या? हम इसे कहाँ ढूंढ सकते हैं और इसे कार्य रूप में कैसे बदला जा सकता है? इसका उत्तर बिल्कुल साधारण है, सरल है। यह परम रहस्य आपके भीतर छिपी वह चमत्कारी अद्भुत शक्ति ही है जो आपके अवचेतन मन में निवास करती है। वह अंतिम स्थान जहां अधिकतर लोग इसे प्राप्त करना चाहते हैं, आपके अवचेतन की अद्भुत शक्ति। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से संपर्क साधने और उस शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करने की विधि को सीखकर अपने जीवन को अधिक शक्ति, संपत्ति, स्वास्थ्य, खुशी और आनंद से भरपूर बना सकते हैं। आपको इस शक्ति को अन्य कहीं से प्राप्त नहीं करना है। यह शक्ति तो आपके अंदर उपस्थित है, मगर आप यह सीखना चाहते हैं इस शक्ति का उपयोग किस तरह किया जाए। आप इस शक्ति को समझना चाहते हैं ताकि जीवन के हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सके। जैसे ही आप इस पुस्तक में बताए गए सरल तकनीकों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, आपको आवश्यक ज्ञान और समझ प्राप्त होने लगेगी। आप एक नई रोशनी से प्रेरित होने लगेंगे और आप स्वयं एक ऐसी शक्ति उत्पन्न करेंगे जो आपको अपने विश्वास और सपनों को समझकर उन्हें वास्तविकता में बदलने में मदद करेगी। अब आप अपने जीवन को पहले से अधिक बड़ा, भव्य, धनी और महान बनाएं। आपके अवचेतन मन के भीतर अथाह बुद्धिमत्ता, अथाह शक्ति और सभी आवश्यक बातों का सतत प्रवाह मौजूद है जो विकसित होने और अभिव्यक्ति होने की राह देख रहा है। आपके मन की गहराई में छिपी इन क्षमताओं को पहचाने और वे आपकी दुनिया बदल देगी। आपके अवचेतन की शक्ति आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है। बस आपको हर घड़ी, हर समय, हर स्थान पर खुले व ग्रहणशील मन के साथ उपस्थित रहना है। आप नए विचार ग्रहण कर सकते हैं जो आपको नए आविष्कार करने, नई खोज करने, पुस्तक या नाटक लिखने के योग्य बनाते हैं। इसके साथ ही आपके अवचेतन मन की असीम शक्ति आपको अद्भुत प्रकार का मौलिक ज्ञान प्रदान करती है। यदि आप में समाहित होकर आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सह स्थान प्राप्त करने के रास्ते बनाती है। आपके अवचेतन मन की बुद्धिमानी के द्वारा आप सही साथी, व्यापार में सही भागीदार को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, या यह आपके घर के लिए सही खरीदार भी खोज सकती है और आपको धन प्रदान कर सकती है।
आपको धन की दृष्टि से स्वतंत्र बनाती है, जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप अपने अंदर छिपे इन विचारों, भावनाओं तथा प्रेम शक्ति और सुंदरता की शक्ति की खोज करें। अदृश्य ही सही, यह शक्ति सर्वव्यापी है। अपने अचेतन मन की सहायता से आप हर समस्या का हल खोज सकते हैं, हर प्रभाव के पीछे छिपे कारण को जान सकते हैं, क्योंकि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर ला चुके हैं। अतः आप सुरक्षित, बहुतायत भरे, आनंदमय, प्रभुत्व संपन्न रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए इन शक्तियों का यथा योग्य उपयोग कर सकते हैं। मैंने अवचेतन मन की शक्ति द्वारा लोगों को लाचारी की अवस्था से बाहर आ समर्थ, संपूर्ण, ताकतवर, महत्वपूर्ण बनकर दुनिया में सुख, स्वास्थ्य और आनंद का उपभोग करने के लिए जाते देखा है। आपके अवचेतन में एक चमत्कारी शक्ति बसती है जो परेशान दिमाग और टूटे दिल का भी इलाज कर सकती है। यह मन की बंद कोठरियों के दरवाजे खोलकर आपको स्वतंत्र कर सकती है। यह आपको हर तरह के भौतिक और शारीरिक बंधन से स्वतंत्र कर सकती है। एक कार्यकारी आधार की आवश्यकता। किसी भी क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति करना एक कार्यकारी आधार की अनुपस्थिति में असंभव है। यह कार्यकारी आधार सार्वभौमिक कार्य प्रणाली पर आधारित होना चाहिए। इस आधार के होने के बाद आपको अपने अवचेतन मन को निर्देशित करने में दक्ष हो सकते हैं। आप इसकी शक्तियों का उपयोग इच्छित परिणाम की सही मात्रा में प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। साथ ही इसके नियमों को जानने के बाद आप उन्हें किसी खास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग में भी ला सकते हैं। आपके विचार फलीभूत होते हैं, उनका उत्तर आपको मिलता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन स्वयं एक सिद्धांत है, नियम है। यहाँ सिद्धांत शब्द से मेरा आशय यह है वह तरीका जिसके अनुसार बातें घटती है। उदाहरण के लिए विद्युत धारा का नियम यह है कि कम क्षमता से अधिक क्षमता की ओर बढ़ती है। विद्युत धारा का उपयोग करते समय आप इस नियम को नहीं बदल सकते। इस नियम के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आप कई चमत्कारी आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, जिनसे संपूर्ण मानवता को लाभ मिले। आपके जीवन में घटने वाली सभी घटनाएं, अनुभव, परिस्थितियां और आपके कार्य उन विचारों का परिणाम होते हैं जो आपके चेतन मन में करते हैं और अवचेतन मन को जो आप चेतन मन में करते हैं और अवचेतन मन को प्रेषित करते हैं। याद रखें, यदि यह किसी वस्तु पर विश्वास रखने की बात नहीं है, वरन यह उन धारणाओं, विश्वासों की बात है जो आपके मन में बसे हुए हैं, जिनसे आपको ऐसे परिणाम मिलते हैं। मानवों द्वारा पैदा की गई झूठी धारणाओं, अंधविश्वासों, किसी के बारे में बनाई गई राय और भय पर विश्वास करना बंद कर दे। जीवन की असीम संभावनाओं और सत्य पर विश्वास करना शुरू कर दें। ऐसा करते ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते जाएंगे। ब्रूस एच लिप्टन ने अपनी पुस्तक स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन में लिखा है, हमारा अवचेतन मन हमारे व्यवहार के 95% हिस्से को और हमारे संज्ञानात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और अनियंत्रित की यह प्रक्रिया अनियंत्रण की यह प्रक्रिया प्रारंभिक रूप से हमारे विश्वासों, हमारी धारणाओं पर आधारित होती है। जब हम अपनी भावनाओं और धारणाओं पर व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से नियंत्रण पाना सीख लेते हैं, अपने जीवन पर हमारा नियंत्रण होने लगता है। एक बार फिर से, हमारा अवचेतन मन हमारे व्यवहार के 95% हिस्से को और हमारी संज्ञानात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और नियंत्रण की यह प्रक्रिया प्रारंभिक रूप से हमारे विश्वासों और हमारी धारणाओं पर आधारित होती है। जब हम अपनी भावनाओं और धारणाओं पर व्यक्तिगत तथा संयुक्त रूप से नियंत्रण पाना सीख लेते हैं तो अपने जीवन पर हमारा नियंत्रण होने लगता है। जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है और इसमें दिए गए अवचेतन मन के सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में उपयोग करता है, वह स्वयं के और दूसरों के बारे में मनोवैज्ञानिक रूप से
प्रभावशाली तरीके से सोचना सीख लेता है। आपके विचारों प्रश्नों का उत्तर प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम के मुताबिक मिलता ही है, और विचार वास्तव में क्रिया का ही प्रारंभिक रूप है। इस क्रिया की प्रतिक्रिया वास्तव में आपकी अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है जो आपके विचारों के अनुरूप उत्तर देती है। अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति और सद्भावना के विचारों से पूर्ण रखें, आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगेंगे। चेतन और अवचेतन मन, आपके मन के दो कार्यों से परिचित होने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन को किसी बगीचे की तरह समझें। आप उस बगीचे के मालिक हो और आप उस बगीचे में सारा दिन विचारों के बीज बोते रहते हैं। ये विचार आपकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। आप जो कुछ अपने अवचेतन में बोते हैं वही आपको शरीर और वातावरण के लिए प्राप्त होता है। जब आप सही दिशा में सोच पाते हैं, जब आप सत्य को समझते हैं, जब आपके अवचेतन में जमा विचार रचनात्मक, समरूपी और शांतिदायक होंगे, आपके अवचेतन मन की कार्यकारी शक्ति उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगी और आपके चारों ओर रचनात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करेगी। जब आप अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किसी भी संकट का सामना करने, किसी भी परेशानी का हल निकालने में कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसा करके आप वास्तव में उस सार्वभौमिक शक्ति और सर्वशक्तिमान सिद्धांत के साथ हौसपूर्ण सामंजस्य बैठा रहे होते हैं। चेतन और अवचेतन मन के बीच संवाद का ज्ञान, आपके अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के योग्य बना देती है। चेतन और अवचेतन मन के बीच संवाद का ज्ञान आपके अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने के योग्य बनाता है। बाहरी परिस्थिति को बदलने के लिए आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थिति बदलने के लिए उनके साथ काम करते हैं, जूझते हैं। मतभेद, संशय, हीनता और सीमाओं को समाप्त करने के लिए उनके कारणों को समाप्त करना होगा, और इसका कारण है कि चेतन मन को निर्देश देने का आपका तरीका, दूसरे शब्दों में वह तरीका जिसके आधार पर आप सोचते हैं, आप अपनी इच्छा को मन में चित्रित करते हैं। यह जानना निहायत ही मज़ेदार और लुभावना होगा कि आप किस तरह अधिकार भाव से अपने अंतर मन के साथ संवाद स्थापित करते हैं, जो आपके मन में शांति का एकता और मौन लाता है। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। चेतन और अवचेतन मन के प्रमुख अंतर और उनके संचालन के तरीके। दोनों का मुख्य अंतर नीचे दी गई बातों से स्पष्ट होगा। चेतन मन शरीर रूपी जहाज का कप्तान होता है। वह इंजन कक्ष में बैठे हुए व्यक्तियों को सिग्नल देने और आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करता है। इंजन कक्ष के व्यक्ति उसके निर्देशों के अनुसार सारे उपकरण जैसे बॉयलर, गेज आदि चलाते हैं। इंजन कक्ष में बैठे व्यक्ति यह नहीं जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। यदि कप्तान अपने उपकरणों, कंपास, सेक्सटेंट के संकेतों के भ्रमित होकर उन्हें गलत निर्देश देगा तो वे जहाज को चट्टान से भी टकरा सकते हैं। इंजन कक्ष में बैठे लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि वह जहाज का कप्तान है और उसका आदेश मानना उसका फर्ज है। जहाज के कर्मचारी कप्तान से सवाल जवाब नहीं करते, वे केवल उनकी बात मानते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है और उसके आदेश माने जाते हैं। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है जो आपके शरीर, वातावरण और समस्त कार्यों को दिखाता है। आपका अवचेतन मन केवल इन आदेशों का पालन करता है और ये आदेश
आपके चेतन मन आपके धारणा और विश्वास के आधार पर देता है। आइए इसे अधिक निकटता से परखें। यह बड़ा ही प्रभावशाली रूपक है। हमारा चेतन मन जहाज के कप्तान के समान है, जो जहाज के कर्मचारियों या चेतन मन पर अपने आदेश बरसाता रहता है। जहाज के कर्मचारी नीचे की और पानी की सतह के करीब होते हैं। ऊपर क्या हो रहा है, जहाज कहाँ जा रहा है, ना तो वे यह देख सकते हैं, ना ही उसे इसकी परवाह होती है। केवल कप्तान के आदेशों का पालन करते हैं, विनाश की चिंता किए कि जहाज किसी दूसरे जहाज से या किसी बर्फ के चट्टान से टकरा जाए या सही सलामत किनारे पर लग जाए। कर्मचारी यानी अवचेतन कोई भी निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं, कोई भी। यह कप्तान चेतन मन से ना तो कोई प्रति प्रश्न करता है, ना ही सुझाव देता है। यह केवल दिए गए आदेशों का पालन करता है, सिर्फ पालन। हमारा अवचेतन मन दासत्व भावना से भरपूर होता है, जिसका उद्देश्य चेतन मन की सेवा में रहना सेवा में हाजिर रहना मात्र होता है। इसलिए उदाहरण के लिए यदि हम लगातार स्वयं से कहते रहते हैं कि मैं लोगों के नाम याद नहीं रख पाता, तो आपका अवचेतन मन इसका पालन करेगा और धीरे धीरे आपकी स्मृति कमज़ोर होती जाएगी, आप लोगों के नाम भूलने लगेंगे। आपका अवचेतन मन जानबूझकर अपनी स्मृति को धुंधला करता जाएगा, जिससे आप उन नामों को याद नहीं रख पाएंगे। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आपके चेतन मन से उसे यही निर्देश बार बार मिल रहा है, मैं नाम याद नहीं रख सकता। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली उपकरण है और हम यह सीखेंगे कि किस तरह इसे जानबूझकर व्यस्त रखा जा सकता है और सावधानी पूर्वक ऐसे निर्देश दिए जा सकते हैं जो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने में हमारी सहायता करें और हम मनचाहे ज़िंदगी प्राप्त कर सकें। मुझे याद आता है कई सालों पहले मैं एक सेमिनार में गया था। वहाँ एक शादीशुदा जोड़े ने अपनी आपबीती सबके साथ साझा की। उन्होंने बताया कि उसके परिवार के हर सदस्य को जून के महीने में जुकाम की शिकायत हो जाती है और यह क्रम पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह जुकाम की यह घटना उसके परिवार के सेल्फ टॉक अर्थात स्वयं से संवाद का हिस्सा बन गई थी। वे अपने आप से कहते थे, जून में हमेशा जुकाम हो जाता है। ऐसा वे सालों तक करते रहे और उनके अवचेतन मन ने इसे ग्रहण करते हुए वास्तविकता में बदला और वे हर साल जुकाम से पीड़ित होते रहे। यदि उन्हें इस चक्र को तोड़ना ना चाहा होता तो यह उनके जींस का हिस्सा बन जाता और इसी तरह के परिणाम देता रहता। इस कहानी में मज़ेदार बात यह है कि इस पुस्तक में सिखाए गए तकनीकों का प्रयोग करके परिवार ने स्वयं संवाद की दिशा बदलकर अपनी विचारधारा को बदला। 2 साल बाद मुझे उनका पत्र मिला जिसमें उन्होंने मुझे सूचित किया था कि स्वयं संवाद की दिशा बदलते ही उन्हें जुकाम से छुटकारा मिल गया है और पिछले 2 साल से परिवार के किसी भी सदस्य को जुकाम नहीं हुआ, जबकि वे उसी शहर उसी घर और उसी वातावरण में रह रहे हैं। हाँ, उन्होंने चेतन मन में बने अपने स्वास्थ्य के चित्र को पुनः बनाया है जो जून के ही नहीं किसी भी महीने में जुकाम उनके पास भटकने नहीं देता। जब आप लोगों से लगातार कहते हैं मैं उतना खर्च नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन इसे ऐसे ही ग्रहण करता है और इस बात का ध्यान रखता है कि आप कभी भी इस स्थिति में ना आ पाओ कि मनचाहे वस्तु खरीदने पर होने वाले खर्च की बर्दाश्त कर सको। जब तक आप इस तरह की बातें कहते हैं कि मैं कार नहीं खरीद सकता, यूरोप घूमने नहीं जा सकता, नया घर नहीं खरीद सकता, यदि आपका अवचेतन मन आपके आदि, तो आपका अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा और आप जीवन भर इन वस्तुओं की कमी को महसूस करते रहेंगे। एक और सरल विवरण है कि जब आप कहते हैं कि
मुझे मशरूम पसंद नहीं है, और अचानक किसी समारोह में आपके थाली में मशरूम सॉस या सलाद के साथ परोसा जाता है, तो निश्चित ही उसे खाकर आपका हाजमा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अवचेतन मन यह जानता है, उनका बॉस यानी चेतन मन मशरूम पसंद नहीं करता है। आपके चेतन मन और अवचेतन मन की क्रियाविधि और उनके संचालन के तरीके में अंतर बताने का यह मनोरंजक उदाहरण है। एक महिला कह सकती है, यदि मैं रात में कॉफ़ी पीऊँगी तो सुबह 3 बजे मेरी नींद खुल जाएगी। तो जिस रात वह कॉफ़ी पिएगी उसका अवचेतन मन 3 बजे उठा देगा, यह सोचकर कि बॉस चेतन मन चाहता है कि आप अगली सुबह उठ जाएं। आपका अवचेतन दिन में 24 घंटे काम करता है, आपके विचार अनुसार प्रतिक्रिया देकर आपको लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। याद रखने योग्य बात है, एक खजाना आप ही के भीतर छुपा हुआ है। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको अपने भीतर झांकना होगा। 2 सभी युग में जो महान पुरुष हुए हैं उनकी महानता का राज यही था कि उन्होंने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर उसे संपर्क करने और उसका उपयोग करने की योग्यता अपने भीतर विकसित की थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं। 3 आप अवचेतन मन के पास आपकी हर समस्या का समाधान रहता है। यदि आप सोने से पहले मन में विचार करते हैं मुझे 6 बजे उठना है, तो आपका अवचेतन मन आपको सही समय पर उठा देगा। 4 आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, आपको स्वस्थ रख सकता है। रोज रात इसी विचार के साथ सोने की आदत डालें, आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आपका अवचेतन मन आपके आज्ञाकारी सेवक की तरह आपके आदेश पर चलते हुए आपको पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करेगा। 5 आपका मन हर एक विचार का कारण है, आपके मन का हर एक विचार कारण है और हर एक परिस्थिति उसका प्रभाव है, अर्थात उस विचार पर अवचेतन मन द्वारा दी गई प्रतिक्रिया है। 6 यदि आप कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं, बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, श्रोताओं के समक्ष प्रभावशाली भाषण देना चाहते हैं, तो अपने इस विचार को कोमलता से भावनात्मक तरीके से अपने अवचेतन मन को बताएं, वह इसी के अनुसार काम करेगा। 7 आप किसी जहाज के कप्तान की तरह हो, उसे अपने क्रू या कर्मचारियों को सही आदेश देना चाहिए और इस तरह आपको भी अपने अवचेतन मन को सही आदेश, सही विचार और चित्र देना चाहिए जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। 8 कभी भी मैं नहीं कर सकता हूँ या मैं इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसे वाक्यों का उपयोग ना करें। आपका अवचेतन मन इससे आपका आदेश मानकर काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास कभी भी अपनी मनचाही वस्तुएं खरीदने के लिए धन ना हो। इसके स्थान पर सकारात्मक भाव से यह कहें कि आपके अवचेतन की शक्ति के बल पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 9 जीवन का नियम वास्तव में धारणाओं पर आधारित होता है। धारणा आपके मन के विचार ही हैं। कभी भी ऐसे बातों में विश्वास ना करें जिनसे आपको नुकसान हो। यह विश्वास रखें आपके अवचेतन मन की शक्ति आपको स्वास्थ्य सुधार करने, प्रेरणा देने, ताकतवर और समृद्ध बनाने में मदद करेगी। 10 अपने विचारों की दिशा बदलें और अपना भाग्य बदल सकते हैं। आइए अब सेल्फ टॉक या स्वसंवाद की बात करते हैं। स्वसंवाद वह सूक्ष्म ध्वनि है जो निरंतर आपके दिमाग में ध्वनित होती रहती है। जब आप पूछेंगे कैसी सूक्ष्म ध्वनि, तो हम उसी ध्वनि के बारे में बात करने वाले हैं जैसे आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आप इन्हें ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं से इस बारे में संवाद कर रहे हैं, आप इनसे असहमत या सहमत हो सकते हैं। आपका इसका उत्तर देने के लिए एक मेल लिखने के बारे में सोच सकते हैं और यह भी सोच सकते हैं कि आप रात के खाने में क्या लेने वाले हैं। यहाँ आपके भीतर की सूक्ष्म ध्वनि आपसे प्रश्न करती है और वही ध्वनि आपको उत्तर भी देती है। यह सचमुच अनोखा है।
और कई बार यह वार्तालाप में बहुत व्यस्त हो जाता है, मगर वह हमारा चेतन मन है जो इस वार्तालाप में लगा रहता है। और इस तरह के वार्तालाप करते समय यह ध्यान रखनी चाहिए कि वार्तालाप हमारे अवचेतन मन को कुछ विचार, कुछ निर्देश दे रहा है। जैसे जैसे हम इसके विचार के बारे में सचेत होते रहते हैं, यह जानने लगते हैं कि यह वार्तालाप, ये विचार हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं, तो हम अपने विचार गुणवत्ता के प्रति सचेत हो जाते हैं, उसका सतत निरीक्षण करते हैं, कमज़ोर या खराब विचारों को बाहर निकालते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम एक बार में केवल एक ही विचार पर केंद्रित रह सकते हैं, अतः हम आसानी से अपने विचार पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब हम अभिपुष्टि या समर्थन की अवधारणा की बात करते हैं, स्व संवाद के बारे में आपका ज्ञान बढ़ेगा। अध्याय 3 में स्व संवाद नामक महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात की जाएगी। अध्याय 2, आपका अपना मन कैसे काम करता है। आपके पास मन है और आपको यह मालूम होना चाहिए कि इसका उपयोग किस तरह किया जाए। आपके मन के दो स्तर होते हैं, एक चेतन मन या तार्किक स्तर और दूसरा अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन की सहायता से सोचते हैं और जो कुछ आप सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में संचित होता जाता है। अवचेतन मन आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का स्थान है और यह रचनात्मक मन है, अतः जो कुछ आप सोचते हैं उसी के मुताबिक काम करता है। यदि आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करेगा और यदि आप बुरा सोचेंगे तो बदले में बुरा ही होगा। इस तरह आपका मन काम करता है। यहाँ एक मुख्य बात ध्यान रखने योग्य है, वह यह कि एक बार अवचेतन मन किसी बात को स्वीकार कर लेता है तो वह तुरंत उसके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। यह एक रोचक और सूक्ष्म तथ्य है कि अवचेतन मन का सिद्धांत अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों के लिए एक सा काम करता है। जब यह नियम सकारात्मक दिशा में काम करता है तो जीवन में सफलता, आशा और सुख हाथ आता है। जो भी हो, जब आप रचनात्मक और सुसंगत तरीके से सोचने के आदि हो जाते हैं तो आप जीवन में स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं। जब आप सही दिशा में सोचना शुरू करते हैं तो मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ मिलना तय है। आप जो भी सोचते हैं, जिसे पाने की इच्छा करते हैं, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता में लाकर आपका अनुभव बनाता है। आपको केवल इतना करना है कि अपने अवचेतन मन को उस विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य करें, फिर अवचेतन का सिद्धांत स्वयं ही उसे आगे ले जाएगा, आपको स्वास्थ्य, शांति, पद आदि का लाभ देगा। आप आदेश या आज्ञा देते हैं और आपका अवचेतन मन विश्वसनीय रूप से उस विचार को सच करने में जुट जाता है। आपके मन का सिद्धांत कहता है कि आपके चेतन मन में जिस प्रकार के विचार होंगे, आपका अवचेतन मन उसी के अनुरूप व्यवहार करेगा, प्रतिक्रिया देगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक स्पष्ट करते हैं कि जब विचार अवचेतन मन की ओर भेजे जाते हैं तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में उनकी छाप बन जाती है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी विचार को ग्रहण कर लेता है, यह तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। यह विचारों के समूहन द्वारा काम करता है और आपके द्वारा जीवन भर इकट्ठे किए गए ज्ञान को इस विचार को साकार करने के लिए प्रयोग में लाता है। यह आपके अंदर की शक्ति, ऊर्जा और बुद्धि का प्रयोग करता है। यह अपने रास्ता बनाने के लिए प्रकृति के सारे नियमों को पंक्तिबद्ध कर देता है। कभी कभी यह आपको कठिनाइयों का समाधान तुरंत देता है, मगर कई बार इसमें दिन, सप्ताह या इससे भी अधिक समय लग जाता है।
चेतन और अवचेतन मन का विभाजन। आपको याद होगा कि हमारे शरीर में वास्तव में दो मन नहीं, वरन एक ही मन उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग गोलार्धों में बांटा जाता है। आपका चेतन मन तार्किक मन होता है। यह मन का वह चरण है जो जीवन में चुनाव करता है, जैसे आप किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए चुनते हैं, अपना घर, जीवन साथी चुनते हैं। आप अपने चेतन मन की सहायता से सारे निर्णय लेते हैं। और दूसरी तरफ कुछ क्रियाएं हैं, जैसे आपके दिल का धड़कना, पाचन, रक्त प्रवाह आदि, पर आपके चेतन मन का नियंत्रण नहीं होता। इन क्रियाओं को आप चुनते नहीं हैं, मगर ये फिर भी होती रहती है। ये क्रियाएं आपके अवचेतन मन के द्वारा होती है और आपके चेतन मन के नियंत्रण से दूर होती है। आपका अवचेतन मन उन सब छापों को, उन विचारों को ग्रहण करता है जिन पर आप विश्वास रखते हैं। यह न तो आपको चेतन मन की तरह विचारों को जांचता है, परखता है, न ही आपसे तर्क करता है। आपका अवचेतन मन उस मिट्टी की तरह है जो अच्छे या बुरे हर तरह के बीजों को स्वीकार करती है। नकारात्मक और विनाशकारी विचार आपके मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं और समय आने पर वे हमारे जीवन में घटित होने लगते हैं। एक चीनी कहावत है, कल के सारे फूलों या खरपतवार की गुणवत्ता बोए गए बीजों में निहित है। आप किसे खाद पानी देना चाहेंगे? याद रखें, आपका अवचेतन मन इसकी जांच नहीं करता कि आपके विचार सही है या गलत, सच्चे हैं या झूठे। यह केवल आपके विचारों और सुझावों के अनुसार काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप विश्वास करते हैं कि कोई बात सच है, भले ही वास्तव में वह बात झूठी हो, आपका अवचेतन मन उसे सच ही मानेगा और उसके अनुसार काम करके परिणाम देने का प्रयत्न करेगा। वह आपके द्वारा चेतन रूप में बनाए गए धारणा का पालन करेगा। सुझावों की जबरदस्त शक्ति। आप जब तक यह जान गए होंगे कि आपका चेतन मन आपके दरवाजे पर खड़े चौकीदार की तरह है, जो किसी भी गलत छाप को आपके अवचेतन मन तक पहुंचने से रोकता है, आप अब मन का एक आधारभूत सिद्धांत भी जान चुके हैं। वह यह कि आपका अवचेतन मन हर तरह के सुझावों के लिए आज्ञाकारी की भूमिका निभाता है। अवचेतन मन किसी तरह की तुलना, कोई विरोधाभास, तर्क या सुझाव नहीं देता। यह तो चेतन मन का काम होता है। अवचेतन मन एक या अनेक कार्यों के बीच भी चुनाव नहीं कर पाता। यह केवल इस पर छोड़ी गई विचारों की छाप के अनुसार काम करता है। शब्दकोश में सुझाव शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति के मन में या मानसिक प्रक्रिया में किसी विचार को इस तरह डालना कि वह उसे समझें, स्वीकारें और प्रभाव में लाएं। लिपलोस, जिन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी है, वे कनाडा के वैनकूवर बीसी में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और सम्मोहन चिकित्सक हैं। मैं उनके साथ एक कार्यशाला में उपस्थित था। ली ने एक प्रतिभागी को पास बुलाया और उसे सम्मोहन की अवस्था में लाते हुए उसके हाथ में एक पीन चुहनी शुरू की और उसे कहते रहे, आपका हाथ एकदम सुन्न होता जा रहा है। वह यह बात प्रतिभागी से लगातार तब तक कहते रहे जब तक उसने यह कहना शुरू नहीं किया कि उसका हाथ वाकई में सुन्न हो गया है और उसे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। उनके कथन की वास्तविकता को परखने के लिए ली ने उसे तेज पुन चुभाई, मगर उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। फिर उस प्रतिभागी को स्वयं अपने हाथ में पिन चुभाने के लिए बुलाया गया और उसे कहा, इस पिन के चुभाने से आपको दर्द नहीं होगा, खून नहीं निकलेगा और किसी तरह का संक्रमण भी नहीं होगा। प्रतिभागी ने उस सामान्य पिन को अपने हाथ में चुभोया और उसके अवचेतन मन को दिए गए निर्देशों की ताकत के कारण उसे न तो दर्द हुआ, न ही उस स्थान से खून निकला, न ही कोई संक्रमण हुआ। यह सचमुच आश्चर्यजनक है। मैं यह इतने विश्वास से इसलिए कह पा रहा हूँ कि वह प्रतिभागी मैं ही था। सम्मोहन के प्रयोग के समय प्रतिभागी को चौक के टुकड़े को
सिगरेट कहकर परिचित करा गया। फिर सम्मोहनकर्ता ने उसके हाथ की त्वचा पर लगाया। प्रतिभागी ने तड़प कर हाथ हटा लिया, मानो सचमुच असली सिगरेट उसके हाथ से छुआ दी गई हो। मगर यह इतना ही नहीं था, आगे जो हुआ उस पर विश्वास करना कठिन है। उस व्यक्ति के हाथ पर एक चकत्ता पड़ गया था जो वास्तविक छाले जैसा ही था, जबकि उस व्यक्ति के हाथ पर केवल चौक के चपटे सिर को छुआया गया था। आप में से कई लोगों ने आग पर चलते हुए लोगों को देखा होगा। इस प्रक्रिया में भी आग पर चलने वाले लोगों के अवचेतन मन को सतत सुझाव देकर उनके पांव की त्वचा को आग का प्रतिरोधी बना दिया जाता है। फलस्वरूप वे नंगे पांव चलते हुए कोयले पर चलते हैं, मगर उनके पांव जलते नहीं हैं। मैंने खुद फिजीवासियों का यह अनुष्ठान करते कई बार देखा है, जिसमें वे तपती हुई सफ़ेद चट्टानों पर कई सेकंड तक खड़े रहते हैं, मगर ना तो उन्हें जलन का एहसास होता है, ना ही किसी तरह के जलने के निशान उनके पैरों में दिखते हैं। इस संदर्भ में अपवाद के रूप में यह भी देखने में आया है कि इस प्रक्रिया में किसी प्रतिभागी को वास्तव में जलन का अनुभव हुआ हो और पैरों में छाले भी आ गए हो। तो ऐसे हर अनुभव में प्रतिभागी ने यह स्वीकार किया कि उनके मन में यह शंका थी कि आग पर चलने के बाद वे सुरक्षित रहेंगे या नहीं। उन्मुक्तता से यह कल्पना करना कि कोई शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तक ले जाएगी और हमें वह सब कुछ देगी जिसकी प्राप्ति की आशा हम रखते हैं, यह कल्पना हम चेतन मन की उस आवाज़ से दूर रखती है जो हमें चेतावनी देता रहता है, कि हमें संकेत करती रहती है, डराती रहती है। कल्पना करें कि कोई शक्ति है बराबर हमारे साथ है, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य, हमारी भलाई के लिए सतत काम करती है। इस काम की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इसी विचार का प्रधान होना जरूरी है। अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं करता। आपका अवचेतन मन किसी तरह का विरोधाभासी तर्क नहीं करता, इसलिए यदि आप इसे गलत सुझाव देंगे तब भी यह उन्हें सही मानकर आगे काम शुरू कर देगा और उसी के अनुसार आपकी परिस्थिति, अनुभव और घटनाओं को निर्मित करेगा। आपके साथ जो भी घटा है वह केवल आपके विश्वासों और धारणाओं के माध्यम से अवचेतन मन पर परिछाप की प्रतिक्रिया है। इसे बाहर आने की सटीक विधि है चेतन मन में सतत रचनात्मक सुसंगत विचारों को स्थान देना, जिन्हें आपका अवचेतन मन ग्रहण करता है। अर्थात आपका अवचेतन मन के लिए अच्छे विचार करने की आदत जीवन में स्थान देना ही एकमात्र उपाय है। सुझावों की निर्माणात्मक और विघटनात्मक शक्ति। हाइड्रोसजेशन या दूसरों के लिए दिए गए सुझाव हर कालखंड में, हर देश में, मनुष्य के जीवन के हर हिस्से में सुझाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई देशों में तो ये धर्म का एक नियंत्रणात्मक भाग होते हैं। सुझाव स्वयं को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए तो उपयोग में लाए जाते ही हैं, मगर इनका उपयोग उन लोगों को जो मन के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानते हैं, निर्देशित या शासित करने के लिए भी किया जाता है। अपनी रचनात्मक अवस्था में सुझाव चमत्कारी और शानदार परिणाम देते हैं, वही अपने नकारात्मक रूप में ये भारी विघटनकारी साबित होते हैं। मन की विचार करने की दिशा को बदल देते हैं, जिससे दुख, असफलता, तकलीफ, बीमारी और दुर्घटना जैसे परिणाम सामने आते हैं। एक व्यस्क होने के नाते जब तक हम अपने अवचेतन मन पर परी छापों को सुधारने के लिए सकारात्मक सुझावों का सहारा नहीं लेते, तब तक पुरानी छापों के परिणामों को खत्म करना संभव नहीं हो सकता। अतीत में आपके अवचेतन पर बने चित्र आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में असफलता का कारण बन सकते हैं। सुझाव आपको नकारात्मकता के घेरे से निकालकर सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, अन्यथा ये आपके जीवन के स्वरूप को बाधित करके अच्छी आदतों, विचारों के पनपने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सुझाव के लिए दूसरा शब्द समर्थन या अभिपुष्टि है। अभिपुष्टि
को इस तरह से समझाया जा सकता है, तथ्यों या धारणाओं पर आधारित ऐसा कथन जो आपके इच्छा या इच्छित परिणाम तक ले जाते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, तथ्यों या धारणाओं पर आधारित यह कथन पूर्णतया सही हो सकता है या पूरी तरह से गलत भी, जिसे सही माना जा रहा हो। डॉक्टर मर्फी इसके बारे में उल्लेख करते हैं कि आपका अवचेतन मन आपसे बहस या तर्क नहीं कर सकता, इसलिए आप इसके सामने कोई गलत तथ्य भी रखते हैं तो वह उसे सही मानकर उसके अनुसार परिस्थितियां, अनुभव और घटनाएं निर्मित करने में जुट जाता है। आज तक आपके साथ जो कुछ भी घटता आया है वह आपके विचारों द्वारा आपके अवचेतन मन पर छोड़े गए प्रभाव का ही परिणाम है। कोई भी वाक्य जिसमें मैं हूँ यह शब्द आता है, वह एक अभिपुष्टि है, वह एक समर्थन है, वह एक सुझाव है। यदि आप कहते हैं कि मैं घटिया आदमी हूँ, तो यह आपके अवचेतन मन के लिए एक निर्देश है जिसे वह वास्तविकता में बदलेगा। उसी तरह मैं बहुत अच्छा हूँ, यह वाक्य भी अवचेतन को इसे वास्तविकता में बदलने के लिए निर्देश देगा। जैसा कि ब्रूस एच अपनी पुस्तक स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन में लिखते हैं, हमें दुनिया में मिलने वाले अनुभवों को हमारे मन के सक्रिय रूप से पुनर्निर्मित करने का प्रयास करता है। उसी तरह यदि हम अपने विचारों को बदल डालें तो अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि है कि प्रेक्षक का मन प्रयोग के परिणामों को प्रभावित करता है। अर्थात भौतिकी की यह नवीन शाखा इस बात को मानती है कि हम केवल निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं हैं, वरन हम इसके सक्रिय भाग हैं। क्वांटम फिजिक्स ने इस बात को सिद्ध किया है कि हमारे मन द्वारा दी गई सूचना हमारे आसपास की दुनिया पर प्रभाव डालती है। यह बहुत ही गहरी बात है। 1963 में जब डॉक्टर मर्फी ने यह पुस्तक लिखी तो उनके पाठकों को यह चुनना पड़ता था कि उनकी कही बातों पर विश्वास करें या ना करें। हालांकि मर्फी जानते थे कि वे जो सिखा रहे हैं वह सही है, मगर इसे वे किसी वैज्ञानिक आधार पर सत्यापित नहीं कर पाते थे। इसलिए इस पर विश्वास न करने वाले लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ नहीं पाए, और वे लोग जिन्होंने इसका अभ्यास किया और अच्छे परिणाम प्राप्त किए उन्हें आशावादी या भाग्यवान कहा। आज के विद्यार्थियों इन बातों पर विश्वास की बात नहीं करते, क्योंकि उनकी खोजी प्रवृत्ति पहले ही इसके वैज्ञानिक परिणाम ढूंढ लेती है। दूसरा है अपेक्षाओं का नियम। हर व्यक्ति की अपेक्षाएं बढ़ती ही जाती है। पहली पढ़ी बात को याद करें कि अभिपुष्टि तथ्यों या धारणाओं पर आधारित ऐसा कथन है, सकारात्मक या नकारात्मक, जो आपको आपके अपेक्षित परिणामों तक ले जाते हैं। आपको यह नहीं कहा गया है कि उस परिणाम तक जो आप चाहते हैं, हमें वह नहीं मिलता जिसे हम चाहते हैं, वरन हमें वह मिलता है जिसकी अपेक्षा करते हैं। अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग अपने मन में उच्च अपेक्षाएं विकसित करते हैं और उन्हें चित्र के रूप में अपने मन में अस्थायी रूप से बिठा लेते हैं, जिससे यह अपेक्षित चित्र सत्य में बदल जाता है। आप वही देखते हैं और सुनते हैं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। यह दुनिया आपकी अपेक्षाओं का ही चित्र है। यह दुनिया जिसे मानव प्रतिस्पर्धा की दुनिया कहा जाता है, वह भी लोगों की अपेक्षाओं का नतीजा है। यह कहते हैं द नेचर ऑफ पर्सनल रियलिटी के लेखक जेन रॉबर्ट्स। यदि आप अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं या जीवन के किसी क्षेत्र में अपने व्यवहार को बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको धीरे धीरे अपने मन में उस इच्छित परिस्थिति का चित्र बनाइए और उस चित्र को अपनी अपेक्षा के अंतिम परिणाम के रूप में अस्थिरता से बनाए रखना चाहिए। कभी भी निचले स्तर या कम अपेक्षाओं को अपने चित्र का हिस्सा न बनने दें।
क्योंकि वे आपको नीचे ले जाएंगे और नए लक्ष्यों के लिए जाने वाले प्रयत्न को कमजोर करेंगे। आप नकारात्मक कथनों को प्रभावहीन बना सकते हैं। किसी भी दिन का अखबार उठाएं तो आप उसमें ऐसी दर्जनों खबर पढ़ सकते हैं जो आपके मन में डर, चिंता, निरर्थकता आदि भावनाओं का संचार करती है। यदि आप इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो भय का यह विचार आपके जीवन की इच्छाओं को खत्म कर सकता है। यदि आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन को कुछ सकारात्मक सुझाव देकर इन नकारात्मक कथनों को सकारात्मक बनाया जा सकता है, तो इसका अर्थ है कि आप जानते हैं कि नकारात्मक कथनों को किस तरह प्रभावहीन किया जा सकता है। आपके आसपास के लोगों द्वारा आपको दिए गए नकारात्मक सुझावों की जांच करें। आप किसी भी बाहरी नकारात्मक सुझावों से प्रभावित नहीं होना है। दूसरों द्वारा दिए गए सुझाव में तब तक कोई शक्ति नहीं होती जब तक कि आप उन्हें समर्थन देकर और अपने विचारों का हिस्सा बनाकर पुष्ट ना करें। इसके लिए आपको अपने मन को सहमति देनी होगी, उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बनाना होगा, तभी वह आपका विचार बन जाएगा और आप उस दिशा में सोचने लगेंगे। याद रखें, आप में से सही विचार चुनने की क्षमता है। आप में सही विचार चुनने की क्षमता है। जिंदगी को चुने, प्यार को चुने और स्वास्थ्य को चुने। अवचेतन मन तर्क या वाद विवाद नहीं करता। आपका अवचेतन मन बहुत बुद्धिमान है, बहुत, और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर उसके पास होते हैं। वह न तो आपसे बहस करता है, न ही पलट कर जवाब देता है। वह नहीं कहता कि मुझे इस गलत विचार से प्रभावित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इस कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर सकता, मैं सही राजनीतिज्ञ को नहीं जानता, तो इन विचारों द्वारा आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित कर रहे होते हैं और वह इसी के अनुरूप व्यवहार करता है, प्रतिक्रिया देता है। वास्तव में आप स्वयं अपनी भलाई के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हो और कमी, निराशा और क्षमताहीनता को आमंत्रित कर रहे हो। जब आप किसी समस्या का उत्तर जानना चाहते हैं तो आपका अवचेतन मन उसका उत्तर अवश्य देगा, मगर यह पहले आपके चेतन मन द्वारा ही किसी निर्णय पर पहुंचने की अपेक्षा रखता है। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि उत्तर आपके अवचेतन मन में ही होते हैं। फिर भी यदि आप कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कोई रास्ता हो सकता है, या मैं बहुत भ्रमित हूँ, या मुझे कोई उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, तो यह कहकर आप अपनी इच्छा को प्रभावहीन बना रहे हैं। अपने मन के चक्र को स्थित करें, आराम की अवस्था में आए, बातों पर अधिक ध्यान न दें, जाने दें और शांति से सकारात्मक भाव से कहें, मेरा अवचेतन मन इसका उत्तर जानता है। अब वह मुझसे बात कर रहा है। मैं उसे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं अवचेतन मन की बुद्धिमानी और शक्ति को जानता हूँ। यह सब कुछ जानता है और मुझे मेरे प्रश्नों के सटीक उत्तर देने वाला है। ध्यान देने योग्य बातें। पहली, अच्छा सोचे अच्छा ही होगा, बुरा सोचे तो बुरा ही घटेगा। आप दिन भर में जो कुछ सोचते हैं वही आपके साथ घटता है। दूसरी, आपका अवचेतन मन आपके साथ विवाद नहीं करता। आपका चेतन मन जो भी कहता है, जो भी, वह उसे स्वीकार कर लेता है। यदि आप कहते हैं कि मैं इस खर्च को बर्दाश्त नहीं कर सकता, हो सकता है यह सही हो, मगर इस तरह नहीं कहें, बल्कि कहें मैं इसे खरीद लूँगा, मैं जानता हूँ। तीसरी बात, आप में चुनाव करने की शक्ति है। स्वास्थ्य और खुशी को चुने। आप दोस्ताना व्यवहार भी चुन सकते हैं और इसके उलट भी। सहयोगी, खुशहाली, स्नेही, प्रेममय व्यवहार को चुने और सारी दुनिया आपको इच्छित प्रतिक्रिया देगी। एक बेहतरीन व्यक्तित्व निर्माण का यह सबसे अच्छा तरीका है। चौथी बात, आपका चेतन मन दरवाजे पर खड़े चौकीदार की तरह है। इसका प्रमुख काम आपके अवचेतन मन को गलत सूचनाओं से दूर रखना है। इस विश्वास को चुने कि कुछ अच्छा घटने वाला है और घट रहा है,
इस चुनाव की शक्ति ही आपकी महानतम शक्ति है। प्रसन्नता और संपन्नता को चुनें। पांचवी बात, दूसरों के विचार और सुझाव तब तक आप पर असर नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें स्वीकार ना करें। आप उन विचारों को खारिज करने का विकल्प चुन सकते हैं और अच्छे सुझावों को स्थान दे सकते हैं। आपके पास यह चुनने की भी शक्ति है कि आप उन विचारों के प्रति क्या प्रतिक्रिया देंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम कुछ व्यक्ति को जो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं उन्हें आदर्श रूप में अपने जीवन में स्थापित कर लेते हैं, मगर ऐसा करके हम उनके शब्दों की शक्ति को कम आंकते हैं। विशेषतः जब हम छोटे बच्चे होते हैं, एक पालक जब परेशान होकर कहता है, क्या बात है तुम्हारे साथ, हो क्या गया है तुम्हें, ऐसा कहते हुए अपने शब्दों के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को आंख ही नहीं पाते। जैसे ही हम पूरी तरह से डॉक्टर मर्फी की सलाहों को समझकर अपनाना शुरू करते हैं, हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और अपने अवचेतन मन को दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों के प्रभाव से दूर रख सकते हैं। हम केवल मुस्कुराकर कह सकते हैं, मैं किसी भी नकारात्मक टिप्पणी को स्वीकार नहीं करता क्योंकि मैं सच जानता हूँ। और फिर हम स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए चुनी हुई परिस्थितियों को ध्यान में लाते हैं। वास्तविकता में दूसरों के शब्दों में हमें प्रभावित करने की कोई शक्ति नहीं होती है, कोई शक्ति नहीं। यह सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम अपने स्वसंवाद के दौरान उन शब्दों को किस प्रकार व्याख्या करते हैं जो हमारे अवचेतन को प्रभावित या निर्देशित करती है। छठी बात, आप जो कहते हैं उसका निरीक्षण करें। आपको अपने हर शब्द का हिसाब रखना होगा। कभी भी यह ना कहे कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं किराया नहीं दे पाऊंगा। आपका अवचेतन मन किसी बात को मजाक नहीं समझता, वह इन सारी बातों को वास्तविकता में लाने में जुट जाता है। सातवीं बात, आपके मन में कोई बुराई नहीं है। प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस शक्ति का उपयोग किस तरह करते हो। अपने मन को दूसरों के लिए दुआ देने, इलाज करने और अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करने वाले काम में उपयोग में लेना चाहिए। आठवीं बात, कभी यह ना कहें कि मैं नहीं कर सकता। इस भय को दूर करने के लिए यह कहें कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति पर भरोसा करता हूँ और मैं इसके लिए इसके सहारे सब कुछ कर सकता हूँ। नौवीं बात, जीवन के सिद्धांतों और सार्वभौमिक सत्य के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें, ना कि डर, अनभिज्ञता और अंधविश्वास के दृष्टिकोण से। दूसरों को आपके लिए सोचने का मौका ना दें। अपने विचार स्वयं चुनें और अपने निर्णय स्वयं लें। दसवीं, आप अपने अवचेतन मन के कप्तान और अपने भाग्य के निर्माता हैं। याद रहे, आपके पास चुनने की शक्ति है। जीवन को चुनें, प्रेम को चुनें, स्वास्थ्य को चुनें, खुशी को चुनें। ग्यारहवीं, आपका अवचेतन मन जो कुछ भी सोचता है और विश्वास करता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और उसे वास्तविक बनाता है। सुखद भविष्य, दिव्य मार्गदर्शन, सही कार्य और जीवन में मिले आशीर्वादों में विश्वास रखें। अध्याय 2 समाप्त हुआ। अध्याय 3, अपने आप से संवाद। हमारे व्यवहार और प्रभाव को सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित करता है तो वह है हमारा स्वयं से किया गया
संवाद अर्थात स्व संवाद। हमारे स्व संवाद की शक्ति हमारे प्रयासों के परिणामों को तय करती है, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक। हम स्वयं के साथ एक मिनट में 150-300 शब्द बोलते हैं, या दिन भर में 50,000 विचार हमारे मन में आते हैं। हम या तो दिन भर अपने मन में नकारात्मक विचार ढोते जा सकते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन स्रावित होते हैं, या मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देकर डोपामाइन, सेरोटोनिन, बिंताएं, डॉर्फिन जैसे प्रसन्नता का अनुभव कराने वाले हार्मोन्स के स्राव में मदद दे सकते हैं। बचपन में हम अपने आप से तेज आवाज़ में बातें करते हैं। मुझे एक बार की बात याद आती है, घर लौटने के बाद मैं अपने सबसे छोटे बेटे के कमरे में गया ताकि सोने से पहले उसे देख लूं। उसके कमरे के दरवाजे पर जाते ही मुझे कमरे से कुछ आवाज़ें आती महसूस हुई। मुझे लगा कमरे में उसके कुछ दोस्त भी हैं, मगर जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा मेरी ओर पीठ करके ज़मीन पर बैठा है और अपने खिलौनों के जानवरों से खेल रहा है। वह उनके साथ संवाद का खेल उत्साह से खेल रहा है, जिसमें सभी जानवर कुछ बोल रहे थे और कुछ गतिविधि कर रहे थे, मगर हर जानवर के पीछे की आवाज़ मेरे बेटे की ही थी। वह अपने जानवर दोस्तों के साथ जीवन का वास्तविक आनंद ले रहा था। वयस्क होने के नाते हमने इन सारे संवाद को अपने आप में समेट कर रहना सीख लिया है। हालांकि कई बार मन में चलते विचार तेजी से जवान पर भी आ जाते, भले ही हम अकेले ही क्यों ना हो, और जिन पर हमें बाद में हैरानी होती है। हम अक्सर काल में अकेले बैठे व्यक्तियों को देख सकते हैं जो स्वयं के साथ बातचीत में व्यस्त होते हैं। हालांकि हम संवाद सेलफोन के आने से पहले ज़्यादा अच्छी से देखी जा सकती है। हम दूसरों से बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के साथ साथ एक संवाद हमारे भीतर भी चलता रहता है, जो सामने वाले की बात का अर्थ ग्रहण करने में मदद करता है। भले ही हम प्रकट में उस व्यक्ति की बात सुन रहे होते हैं, मगर हमारा मन उसकी बातों का जवाब तैयार कर रहा होता है। जो भी हो, सबसे शक्तिशाली संवाद वह होता है जो हम एकांत में स्वयं से किया करते हैं। यह संवाद निर्णय और आकलन का होता है, जहां हम किसी अच्छे काम के लिए स्वयं की पीठ थपथपाते या किसी गलत काम के लिए अपने कान खींचते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में मैंने कहा हमारे व्यवहार और प्रभाव को सबसे अधिक यदि कोई प्रभावित करता है तो वह है हमारा स्वतः से किया गया संवाद अर्थात स्व संवाद। यह कैसे होता है? हमारा स्व संवाद ही हमारी अवधारणाओं को बनाता है और बनाता रहता है। लेखक एकहर्ट टोले अपनी पुस्तक द पावर ऑफ नाउ में स्व संवाद के बारे में एक अध्याय स्वयं को अपने मन के बंधन से दूर करना में कहते हैं कि विचारक का अवलोकन करना, विचारक का अवलोकन करना से आपका क्या तात्पर्य है? जब कोई चिकित्सक के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने मस्तिष्क के भीतर एक आवाज़ सुनता हूँ, ऐसा कहने पर उसे किसी मनोचिकित्सक के पास भेज दिया जाएगा। वास्तविकता यह है कि उस व्यक्ति की तरह हम सभी को एक या अनेक आवाज़ों की उपस्थिति अपने मस्तिष्क में महसूस होती है। कई बार हमें इस महसूस करते हैं और कई बार नहीं। ये विचार सतत चलते रहते हैं और आपको यह एहसास नहीं होता कि आप इन विचारों को रोक भी सकते हैं। यह संवाद सतत चलता है, एक तरफा या दो तरफा। आपने अक्सर सड़क पर घूमते हुए पागल व्यक्तियों को देखा होगा जो स्वयं से ही बातें करते रहते या बुदबुदाते रहते हैं। यह उसी तरह की क्रिया है जो हम और आप जैसे लोग मस्तिष्क में
सतत चलती रहती है, उससे भिन्न नहीं। बस फर्क यह है कि हमारा संवाद जोर से नहीं होता, हमारे भीतर की आवाज़ भी अनुमान लगाती है, जांचती है, तुलना करती है, शिकायत करती है, पसंद और नापसंद करती है। हो सकता है कि यह आवाज़ आपकी वर्तमान स्थिति की बात न करती हो, यह हाल ही में घटी या पुराने किसी बात को लेकर संवाद करती हो, या भविष्य की कल्पना करती हो। यहाँ यह अक्सर चीज़ों को गलत होता देखती है, जिसे चिंता कहते हैं, और कई बार इस ध्वनि के साथ कुछ चित्र भी बनाते हैं, जिसे मानसिक चित्र कहते हैं। यदि यह आवाज़ आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी हो, तो फिर भी यह भूतकाल की बात करती नज़र आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह आवाज़ आपके किसी विशेष स्थिति के लिए अनुकूलित हुए मन से निकलती है। यह अनुकूलन किसी भूतकाल की घटना के चलते और आपके वातावरण द्वारा बनी हुई मानसिकता के कारण ही हुआ है। इसलिए आप वर्तमान को भी भूतकाल की नज़रों से देखते हैं, और इसका एकदम विकृत रूप हमारे सामने आता है। यह आवाज़ किसी दुश्मन की आवाज़ के समान ही हानिकारक होती है। कई मनुष्य अपने मन में सतत एक सताने वाले को पोषित करते रहते हैं, जो लगातार उन पर आक्रमण करता है, उन्हें सताता है और उनके शरीर की सारी ऊर्जा खींच लेता है। यह अनकहे परेशानियों, दुखों और बीमारियों का कारण होता है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने मन की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। यह सच्चे अर्थों में बंधन मुक्त होना होगा। आप अभी इस दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अपने मन में गूंजती आवाज़ को जितना अधिक हो सके सुनाने का प्रयास करें। किसी विचार में लगातार हो रहे दोहराव को भी जांचें। हो सकता है कुछ पुराने विचार अब तक आपके मन में जरे जमाए बैठे हैं। विचारों का अवलोकन करने से मेरा तात्पर्य यही है। बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्ति, पालक, शिक्षक, प्रशिक्षक, बड़े भाई बहन होने के नाते बच्चों के निराशाजनक प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया स्वरूप कहे गए हमारे शब्दों पर सोचना चाहिए। यह निराशा पियानो बजाने, परीक्षा, खेल आदि किसी भी क्षेत्र के प्रदर्शन से हो सकती है। बच्चे अपने पालकों आदि की बातों को ज्यों का त्यों अपने दिल पर ले लेते हैं। उनके पालक उनके प्रदर्शन के बारे में जो भी कहते हैं, वह उन्हें सच ही लगता है। एक पालक, शिक्षक, प्रशिक्षक, बड़े भाई और बहन होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? जब हमारा बच्चा हमारी आशा अनुरूप प्रदर्शन नहीं करता या उसका प्रदर्शन सामान्य से नीचे रहता है, हमें उनके मन में ऐसा चित्र बनाना चाहिए जो उस अपेक्षा के अनुरूप हो जो हम उनसे करते हैं। बेटा आज यह खेल तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं था। मुझे याद है कि एक बार का तुम्हारा खेल क्या बढ़िया खेला था तुमने। तुम सचमुच बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो और अगले सप्ताह होने वाले खेल में तुम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हो। या बेटा, तुमने घर में वह गीत बहुत ही बढ़िया बजाया था और मुझे विश्वास है कि तुम सबको यह बताने के लिए कि तुम कितना अच्छा बजाते हो अगले सप्ताह तक इंतजार नहीं करोगे। बचपन में हमारा स्व संवाद हमारे बड़ों द्वारा हम पर डाले गए प्रभावों पर आधारित होता है। उसमें भी जिन्हें हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं और प्रेम करते हैं, उनके विचारों का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जब हम वयस्क होते हैं, तब तक हमारे मन में अपने प्रति एक अस्थायी राय बन चुकी होती है कि हमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा, कैसे लोग हम अपने आसपास अच्छे लगते हैं, किन्हें हम पसंद नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। हम यह स्वीकार करते हैं कि हम ऐसे ही हैं। एक अर्थ में हमें अपने मन में उपस्थित सूचनाओं के गुलाम बन जाते हैं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों ने कभी भी यह सोचा ही नहीं होता कि हम अपने व्यवहार को, अपने विचारों को बदल सकते हैं। हम अपने जीवन को मनचाहे दिशा में ले जा सकते हैं, अर्थात हम अपने जीवन के चालक बन सकते हैं। सारांश यही है, हमारा स्व संवाद हमारी अवधारणाएँ बनाता है और ये अवधारणाएं हमारे प्रदर्शन के स्तर को तय करती है।
क्योंकि हम अपनी अवधारणाओं के आधार पर एक सा प्रदर्शन करते हैं और हर प्रदर्शन के बाद स्वसंवाद करते हैं और इस तरह पूर्व की अवधारणाओं को मजबूत करते हैं, यानी हमारा प्रदर्शन उसी तरह उसी स्तर पर रहे, अनजाने ही यह तय होते रहता है। स्वसंवाद हमारे मन के रेडियो स्टेशन जैसा है। क्या हम सही स्टेशन सुन रहे हैं? क्या हमें स्टेशन बदलना चाहिए? क्या हमें पता है कि हम स्टेशन कैसे बदल सकते हैं? अपना इरादा मजबूत रखें। अब हम देखेंगे कि हमारा स्वसंवाद किस तरह हमारी धारणा का निर्माण करता है। अध्याय 3 समाप्त हुआ। अध्याय 4, हमारा स्वसंवाद किस तरह हमारी अवधारणाओं को बनाता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि हमारी अवधारणाएं किस तरह बनती है और उनका हमारे निर्णयों और उन निर्णयों के परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात हमारी अवधारणाएं उन्हें किस तरह प्रभावित करती है। उन अवधारणाओं का निर्माण हमारी इस समझ के साथ शुरू होता है कि हम स्व अवधारणाओं की शक्ति को जानते हैं और यह भी समझते हैं कि अवधारणाएं वास्तव में हमारे जीवन को निर्देशित करने वाला तंत्र है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हम बेहद जटिल और बहुआयामी प्राणी हैं। हम जीवन में कई सुविधाओं का उपभोग करते हैं और हमारे लिए इन सुविधाओं को प्राप्त करने के कई अन्य तरीके और तकनीकें होती हैं जिनके बारे में हमें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हम में से अधिकतर लोग सारा जीवन अनभिज्ञता में ही काट देते हैं और यह जान नहीं पाते कि हम आज जो हैं वो कैसे बने हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि हम आज जो हैं उस स्थिति में रचनात्मक बदलाव लाकर जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता हासिल कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि से कमज़ोर रह गए हैं, मगर जिनमें सफल होने की इच्छा हमारे मन में है। सरल रूप से कहा जाए तो अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि बदलाव किस तरह लाया जाए और इस कारण से वे अपने मन में इस मंत्र को जपते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, और इसके लिए वे ईश्वर के आशीर्वाद का आभार भी मानते हैं, मगर वे यह नहीं जानते कि वे अपनी कमियों को ढकने की कोशिश कर रहे होते हैं और वे सारा जीवन इसी तरह काट देते हैं। जैसे ही हम स्वयं को नकारात्मक विचारों और सीमित सांस्कृतिक दायरों की मूर्छा और सम्मोहन से बाहर लाते हैं और स्वयं को पुनः नए विश्वास से सम्मोहित करते हैं, हम अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ा सकते हैं और यह दायरा हमारे पुराने दायरे की तुलना में वृहद और विस्तृत होगा। तो आइए ज़रा पीछे चलें और जांचें कि हम जैसे हैं वैसे हम बने किस तरह। हमारे पहले 2 साल, हम सभी असीमित क्षमता के साथ जन्मे थे। यह कहने से मेरा आशय है कि उस समय हमारे पास ऐसा कोई विचार नहीं होता कि हम यह नहीं कर सकते। पहले 2 वर्ष हमारे जीवन के और विकास के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। चूँकि उस समय हम बोल नहीं पाते अतः हमारे पालक हमारे अभिभावक हमें यह नहीं कहते कि हम क्या नहीं कर सकते या हम अधिक तेज़ी से विकास कर रहे हैं। इन 2 सालों में हमें चलना, कपड़ा पहनना, खाना आदि सीखते हैं और भाषा सीखते हैं। हालांकि उस समय हमारे पास सीमित शब्दकोश होता है, फिर भी हम समझने लगते हैं कि पिता माता हमसे बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। हमारा मस्तिष्क 5 विद्युतीय भाषाएं बोलता है। मैंने डॉक्टर ली पुलोस से उनकी कार्यशाला में निम्न बात सीखी। जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक हमारे मस्तिष्क की तरंगें डेल्टा तरंगें जो 1.5 से 4 हर्ट्ज होती है, 2 से 6 साल तक ये तरंगें
थीटा तरंगों में यानी 4 से 8 हर्ट्ज बदलती है। 6 से 12 साल के बीच में तरंग अल्फा तरंगे 8 से 12 हर्ट्ज बदलती रहती है और 12 साल से ये बीटा तरंगे 12 से 40 हर्ट्ज में बदलती है। जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है तो क्या होता है? उसके मस्तिष्क के तरंग की गति धीमी हो जाती है। थीटा से अल्फा के बीच सम्मोहित अवस्था में मस्तिष्क तरंगों की गति 7.3 हर्ट्ज होता है। इसका अर्थ है 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था में हम सबसे अधिक सम्मोहित किए जाने वाले अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्या यह वह अवस्था नहीं होती जहां हमारे विश्वास आकार ले रहे होते हैं और आत्मसम्मान और स्वावधारणाएँ बन रही होती है? अतः जैसे ही हम अपने आप को अपने अंदर जमे नकारात्मक विचारों के सम्मोहन से मुक्त करते हैं और सकारात्मक सुझावों को स्थान देते हैं, हम अधिक शक्तिशाली विचार तैयार करते हैं। 5वीं विद्युत भाषा गामा तरंगे होती है जो प्रदर्शन का उच्च स्तर 40 से 200 हर्ट्ज होता है। हम 2 स्रोत से सीखते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम मुख्यतः 2 स्रोत से सीखते हैं। पहला, हम अपने पालकों के अभिभावकों के अनुकरण द्वारा सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पालक हमारे लिए प्रेम का पहला स्रोत है। बचपन में हम अपने पालकों से ढेर सारा प्यार चाहते हैं और उसके लिए वे सारे काम करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जिनसे उन्हें खुशी हो। जब हम अपने पालकों को खुश करते हैं तो हमें किस तरह का पुरस्कार मिलता है? दूसरा, हम सुविधा की ओर जाते हैं और असुविधा से दूर भागते हैं। आधारभूत बात यह है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं और हम किसी खाली बर्तन के समान होते हैं, हमारी जिज्ञासाएं अनंत होती है और सीखने की इच्छा प्रबल होती है। 2 साल के होते होते हम कुछ शब्द सीख लेते हैं। धीरे धीरे प्राथमिक रूप से भाषा का आधार निर्माण होने लगता है। हमें मिलने वाली सारी सूचना या इनपुट हमें अपने पालकों या भाई बहनों से मिलता है। वे हमसे अपनी राय साझा करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है और क्या गलत। हमें अच्छा बच्चा बच्ची बनाने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए जो हमें गंदा बच्चा या बच्ची बनाए, क्या नहीं करना चाहिए। 6 साल के होते होते हम एक मजबूत राय बना चुके होते हैं कि हम कौन हैं, हमारी दुनिया, पालक और मित्र कैसी है और इस समय तक हमारे मन में विचारों की भी नींव पड़ने लगती है। हम किन क्षेत्रों में अच्छे हैं और किन में अच्छे नहीं हैं, महत्वपूर्ण। इन सब बातों का इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि हम वास्तव में कौन हैं। सारी बात इस पर आकर अटक जाती है कि हम किसके जैसा बनना है। हम किसी भी ऐसे विचार के साथ दुनिया में नहीं आते कि हम कैथोलिक बनेंगे या प्रोटेस्टेंट, गणतांत्रिक बनेंगे या प्रजातांत्रिक, चिकित्सक बनेंगे या वकील। इनमें से अधिकांश आंकड़े या सूचनाएं हम अपने पालकों, भाई बहनों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और वे सब लोग जो उस समय हमारे जीवन में प्रमुख स्थान रखते हैं या जो लोग हमारे लिए जीवन का आदर्श होते हैं, जिनसे हमें भय होता है, से ग्रहण करते हैं। चूँकि हमारे पास इसके विरोध में कोई सूचनाएं नहीं होती है, इसलिए वे हमें जो कुछ भी सिखाते हैं हम उसे सत्य मान लेते हैं। इसके बाद हम स्कूल जाते हैं जहां हमें शिक्षक और प्रशिक्षक मिलते हैं जो हमें और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हम कौन हैं, हम किस में अच्छे हैं और किस में बुरे। हम पहले ही स्वसंवाद के विचार का उल्लेख कर चुके हैं। अतः हमारा स्वसंवाद द्वारा बनाई गई अवधारणाओं या अनुभवों द्वारा बनाई गई धारणाओं को पुष्ट करता है। हमारा स्वसंवाद ही हमारी स्व अवधारणाओं को बनाता और तय करता है। अतः हमारी स्वयं के प्रति अवधारणाएँ या माता पिता या अन्य लोगों द्वारा हमारे लिए कही गई बातों से नहीं बनती, वरन हमारी सूचनाओं का क्या अर्थ लेते हैं, उसके बारे में क्या अनुभव करते हैं, इसके आधार पर बनती है।
जैसे हम सीखेंगे कि भाषा का उद्देश्य हमारे मन में कुछ चित्रों को बनाना होता है, वे चित्र कुछ भावनाओं के साथ जुड़ते हैं और हमारी आंतरिक संवाद किसी तरह का चित्र और उसके साथ जुड़ी भावनाओं अवचेतन मन में बनाता है और ये चित्र भविष्य में हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अध्याय 7 में हम इन पर और गहराई से बात करेंगे। नीचे लिखी गई पंक्तियों नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई पुस्तक आउटविलिंग द डेविल द सीक्रेट टू फ्रीडम एंड सक्सेस से ली गई है। क्या आपने कभी एक पालक को अपने बच्चों के वाक्य को पूरा करते सुना है, या किसी पालक को अपने बच्चों का गृह कार्य पूरा करते देखा है? स्कूल में होने वाले वे विज्ञान मेले याद है जहां बच्चों के विज्ञान के प्रकल्प प्रोजेक्ट बनवाने में पालक मदद करते हैं? माता पिता ने भले ही उसे नन्हा समझकर उसकी मदद की हो, मगर कहीं भीतर उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बच्चा उनकी मदद की प्रशंसा करता है और बच्चे की मदद से उसकी नज़रों में अच्छे माता पिता बन जाएंगे, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। बच्चा सोच रहा होता है कि माता पिता को ऐसा लगता है कि मैं अकेले यह काम नहीं कर सकता, इसलिए वे मेरी मदद करते हैं, तो चिंता क्यों की जाए। पालकों की यह अवांछित मदद धीरे धीरे बच्चों का आत्मविश्वास खत्म कर देती है। बच्चों के काम पर विश्वास रखकर और उन्हें अपना काम स्वयं करने की छूट देकर पालक उनमें अपने लिए सोचने की आदत विकसित कर सकते हैं। सामान्य रूप से यह समझाने की कोशिश करें कि हमारा स्वसंवाद ही हमारी स्वअवधारणाएँ बनाता है और स्वअवधारणाओं से क्या तात्पर्य है। स्वसंवाद हमारे द्वारा देखी गए स्वयं को देखने का तरीका है। परिभाषिक रूप से कहें तो स्वसंवाद उन सारे मूल्य आधारित निर्णयों का औसत होता है जो आपके ऊपर आपके पालक और अन्य व्यक्तियों द्वारा सब थोपे जाते हैं। जब आप बच्चे होते हैं, विशेषतः जब आप छोटे बच्चे होते हैं, तो इस तरह के निर्णय सभी क्षेत्र में आपको आसपास के लोगों द्वारा आप पर थोपे जाते हैं। आपके मन में अपने प्रति जो अवधारणाएं बनती है वह उन सब एकल अवधारणाओं का योग या औसत होती है जो आपके आसपास उपस्थित लोगों द्वारा हमारे बारे में बनाई जाती है। व्यक्तिगत स्व अवधारणा पालक पति पत्नी प्रदाता खेल का कौशल मानवीय रिश्ते अन्य। हमारे आसपास हजारों एकल अवधारणाएं आती है। किसी खेल के क्षेत्र में हमारी अवधारणाओं के अनुसार हम स्काइंग में अच्छे और गोल्फ में खराब खिलाड़ी हो सकते हैं। मूलभूत कार्यकारी सिद्धांत के अनुसार स्व अवधारणा यह वह नियमन तंत्र है जो जीवन के हर एक क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन के स्तर को निहित करता है और हमारी स्व अवधारणा और हमारे प्रदर्शन के बीच हमारा सीधा संबंध होता है। हम में से अधिकांश लोगों को यह सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत करने से ही प्रदर्शन का स्तर बढ़ाया जा सकता है। एक बार हमारा प्रदर्शन अच्छा हो जाता है तो फिर हम जीवन के उस क्षेत्र में आगे उन्नति के बारे में सोच सकते हैं या हम अपनी स्व अवधारणाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हैं। सौभाग्य से यह इस तरह काम नहीं करता। यहाँ हमें निर्देशों प्रशिक्षण और अभ्यास के महत्व को कम नहीं आँकते, मगर कारण और प्रतिक्रिया में मुख्य रिश्ता यही है कि आपकी स्व अवधारणा ही आपके प्रदर्शन का स्तर निर्धारित करती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जिससे इस बिंदु को विस्तार से समझा जा सकेगा। 1954 से पहले दुनिया के सभी श्रेष्ठ धावक इस बात को सत्य मानते थे कि किसी आदमी के लिए 4 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी तय करना असंभव है। इसके पीछे का कारण यह था कि आदमी द्वारा स्टॉपवॉच के आविष्कार के बाद पिछले दशकों में हुई हजारों दौर में किसी व्यक्ति ने 6 मिनट से कम समय में 1 मील की दूरी तय नहीं की थी। कई लोग सेकेंड के 10वें हिस्से पर आ गए मगर 4 मिनट से कम ना हो सका। और उसके बाद क्या हुआ? 1954 में ब्रिटेन के एक मेडिकल के विद्यार्थी रॉजर बेनिस्टर इतिहास का पहला व्यक्ति बना
जिसने एक मील की दौड़ 4 मिनट के अंदर पूरी कर ली। तो क्या, तो इसके बाद अगले 3 साल में करीब 16 लोगों ने 4 मिनट से कम समय में यह दौड़ पूरी की। दौड़ने की मूलभूत प्रक्रियाओं या साधनों जैसे जूते, रेसिंग ट्रैक आदि में कोई बदलाव नहीं हुआ। तकनीक या प्रशिक्षण में भी कोई बदलाव नहीं था। केवल इस अवधारणा को हटाया गया था कि यह दौड़ 4 मिनट में पूरी नहीं की जा सकती। खेल गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का एक सा या बेहतर होता प्रदर्शन स्व अवधारणा का बढ़िया उदाहरण है। बेसबॉल के खेल में हीटर या बल्लेबाज के बैटिंग का एक औसत होता है, पिचर या रन बनाने वाले का एक औसत होता है, और अधिकतर इन खिलाड़ियों के खेल के परिणाम एक से ही रहते हैं। ऐसा उनकी स्व अवधारणाओं के कारण होता है। जब वे अपने औसत से अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वे अपने फॉर्म में हैं या बेहतर समय में हैं। जब उनका प्रदर्शन औसत से कम हो जाता है तो कहा जाता है कि मंदी में है या फॉर्म में नहीं है। ऐसा कुछ गोल्फ के खिलाड़ियों के साथ होता है। खेल की सारी बाधाओं के साथ उनका प्रदर्शन भी एक सा रहता है। जब हम अपनी स्व अवधारणाओं को अवधारणा से अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, हम उसे अच्छा समय या फॉर्म बताकर उसके महत्व को कम क्यों करते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हमारी स्व अवधारणा हमारे लिए नियामक कारक होती है और वह हमारे प्रदर्शन को तय करती है। याद रहे, हम स्व अवधारणा का अर्थ है कि हम स्वयं को जीवन के किसी क्षेत्र में किस तरह देखते हैं। जैसा ही यह चित्र सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बदलता है, हमारी अवधारणा बदलती है और उसी के अनुरूप हमारे प्रदर्शन का स्तर भी सकारात्मक या नकारात्मक रूप से बदलता है। यदि हम अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी स्व अवधारणाओं को बदलना होगा। हम अपने अंदर इस तरह की प्रतिक्रिया विकसित कर लेते हैं जो हमें उस स्तर पर पहुंचाने में जो हमें वास्तव में हैं हम वह बनाने में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे जैसे हम इस पुस्तक के साथ आगे बढ़ेंगे, हम आपको वे तकनीकें बताएंगे जिनके आधार पर आपको आप स्वयं के बारे में संपूर्ण सूचना एकत्र कर पाएंगे कि आपके अपने अंदर क्या अच्छा लगता है, क्या खराब, क्या आप स्वयं किस क्षेत्र में अच्छा हो और किस में कमज़ोर मानते हैं। साथ ही व्यवहार के कुछ तरीके भी जान सकेंगे जिन्हें आप बदलना चाहेंगे। जैसे ही हम उन बातों के बारे में जान पाएंगे कि हम बदलना चाहते हैं या हम उनमें भिन्नता लाना चाहते हैं, फिर हम धीरे धीरे उन तकनीकों और तरीकों के बारे में जानेंगे जो हम इन सभी परिवर्तनों को बहुत थोड़े से प्रयास से ला पाना संभव बना पाएंगे, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। परिवर्तन किसी भी तरह से बुरा शब्द नहीं है और उसके साथ आपको असहज होने की कतई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम सोचते हैं, आइए अब हमारे अवचेतन मन की शक्ति को गहराई से देखने और समझने का प्रयास करते हैं और चेतन तथा अवचेतन मन के आपसी संबंध पर गहरी समझ बनाने का प्रयास करते हैं। अध्याय 5 आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्ति। आपका अवचेतन असीमित शक्ति रखता है। यह आपको प्रेरित करता है, निर्देशित करता है। यह स्मृति रूपी गोदाम के द्वारा आपके नाम, जीवन से जुड़े तथ्यों और दृश्यों का पता करता है। आपका अवचेतन मन आपके हृदय की धड़कन को शुरू करता है, रक्त के संचरण को नियंत्रित करता है, आपके शरीर में पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन की प्रक्रियाओं को नियमित करता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हो तो आपका अवचेतन मन उसे रक्त के रूप में आपके शरीर के ऊतकों, मांसपेशियों, रक्त और हड्डियों में संचारित करता है। यह प्रक्रिया किस तरह होती है, इसका वास्तविक ज्ञान दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो दुनिया को चलाता है को भी नहीं है।
आपका अवचेतन मन आपके शरीर की समस्त आवश्यक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और आपको हर प्रश्न का और आपके हर प्रश्न का उत्तर जानता है। आपका अवचेतन मन कभी भी सोता नहीं है, कभी भी आराम नहीं करता, यह हमेशा अपने काम पर हाजिर रहता है। आप स्वयं अवचेतन मन की इस चमत्कारी का शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कहें कि आप किसी खास वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ऐसा करते ही आपको अंदर की सारी ताकत पुनर्जीवित हो जाती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट जाती है। इस तरह से अवचेतन मन के पास वह शक्ति और ज्ञान है जो आपको उस शक्ति के करीब ले जा सकता है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों की चाल को नियंत्रित कर सकती है और सूरज के चमकने का कारण बनती है। आपके अवचेतन मन आपके आदर्श, आकांक्षाओं और परोपकार के आग्रह का स्रोत है। अवचेतन मन की शक्ति द्वारा ही शेक्सपियर जैसे साधारण व्यक्ति ने असाधारण शक्तियों को दुनिया के सामने लाया जो सामान्य आदमी की नज़रों से छिपे हुए थे। निसंदेह यह अवचेतन मन की शक्ति का ही परिणाम है कि ग्रीक मूर्तिकार फिल्डिया ने संगमरमर और कांसे से बनी मूर्तियों में सुंदरता, क्रम, सममिति और अनुपात का अद्भुत समन्वय किया। इस अवचेतन की शक्ति ने इटली के कलाकार राफेल को मेडोना जैसी कलाकृति बनाने में मदद की और बीथोवन सुंदर धुनें तैयार कर सका इसी अवचेतन मन की शक्ति में। आपका अवचेतन मन आपके जीवन की खुली किताब है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी विचार, धारणाएं, सिद्धांत, नियम उकेरते या उभारते हैं उन्हें आप अपने लक्ष्यों के रूप में स्थापित करते हैं और आपका अवचेतन मन उन्हें पूरा करने के लिए वैसी परिस्थिति, वातावरण और घटनाएं सृजित करता है। आप कुछ भी अंदर लिखोगे बाहर भी वही अनुभव करोगे। आपके जीवन के दो पहलू होते हैं, दृश्य और अदृश्य, व्यक्तिपरक और समष्टिपरक, विचार और उसकी प्रतिक्रिया। आपके विचार आपके मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जो कि आपके चेतन तार्किक मन का हिस्सा है। जब आपका चेतन मन किसी विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो उसे मस्तिष्क के स्नायु गुच्छ में भेजा जाता है, वहाँ यह अवस्थित हो जाता है और अपने अनुभव के रूप में आपके सामने आता है। आपका अवचेतन मन किसी तरह का तर्क नहीं कर सकता। आप जो भी विचार इस पर उकेरते हो यह उसी के अनुरूप काम करता है। यह आपके चेतन मन का अंतिम निर्णय मानता है। इसलिए कहा जा रहा है कि आप हमेशा अपने जीवन की किताब लिख रहे हैं क्योंकि आपके विचार आपके अनुभव बनते जा रहे हैं। अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध निबंधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं, मनुष्य अपने बारे में सारा दिन जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अवचेतन मन पर जो भी लिखा जाता है वह बाहर अभिव्यक्त होता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा है कि आपके अवचेतन मन में दुनिया की को हिलाने की शक्ति है। आपके अवचेतन में असीमित बुद्धिमत्ता और अपार शक्ति है। इसे छिपे हुए ऊर्जा स्रोतों से शक्ति मिलती है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप इसे अवचेतन मन पर जो भी लिखते हैं वह इसे सच बनाने के लिए धरती आकाश को हिला सकता है। अतः आपको अवचेतन मन पर सही धारणाओं और रचनात्मक विचारों को ही उकेरना चाहिए। आज दुनिया में इतनी अशांति और दुखों का एक ही कारण है कि लोग अपने चेतन मन और अवचेतन मन के बीच के संवाद को नहीं समझते। जब ये दोनों मन दो सिद्धांतों के रूप में आपसी सहमति, एकता और शांति और समन्वय के साथ एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और आपके मन में स्वास्थ्य, सुख और आनंद और शांति लाते हैं, जब चेतन और अवचेतन मन एक दूसरे के साथ
समन्वय और शांति से काम करते हैं तो किसी प्रकार की तकलीफ या कलह की संभावना नहीं रहती। आपके अवचेतन पर जो भी लिखा जाता है वह अंतरिक्ष के पर्दे पर अभिव्यक्त होता है। यह सच्चाई मोजेस, अल्लाह, ईसा, बुद्ध, जोरोआस्टर, लाओत्ज़ू और सभी संतों ने युगों युगों से कही है। आप जो भी सत्य के रूप में अनुभव करेंगे वह आपके सामने परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में आएगा। गति और भावनाओं का संतुलन होना जरूरी है, यह जीवन का महान नियम है। प्रकृति के हर काम में क्रिया प्रतिक्रिया का, आराम और काम का सिद्धांत लागू होता है। यदि इन दोनों में संतुलन स्थापित रह सके तो जीवन सुख और वो सामंजस्य भरपूर रहता है। आपके जीवन में इन सिद्धांतों को लयात्मक और सुसंगत संतुलन बना रहना जरूरी है। प्रवेश और निर्गम दोनों ही बराबर होना चाहिए, प्रभाव और अभिव्यक्ति समान होना चाहिए। आपकी निराशा का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं निराशा पैदा करती है। आप अपने बारे में क्या विचार करते हैं, आपका हर हिस्सा उन विचारों को व्यक्त करता है। आपकी जीवन शक्ति, शरीर, आर्थिक स्थिति, मित्र और समाज स्तर उन विचारों को संपूर्णता से अभिव्यक्त करते हैं जो आप अपने बारे में सीखते हैं। आपके अवचेतन मन पर क्या उकेरा गया है और जीवन के हर पड़ाव पर क्या विभक्त हो रहा है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। हम स्वयं को नकारात्मक विचारों से आच्छादित कर लेते हैं और उन्हें बढ़ावा भी देते हैं। कितनी ही बार आप गुस्सा होकर, डर कर, ईर्ष्या करके और प्रतिशोध भावना से ग्रस्त होकर अपने आप को कितनी हानि पहुंचाते हैं। ये भावनाएं जहर के समान होती है जो आपके अवचेतन में प्रवेश करती है। आपने इस नकारात्मकता के साथ जन्म नहीं लिया था। अपने अवचेतन मन को जीवनदायी विचारों से भर लें, आपके मन के सारे नकारात्मक पैटर्न समाप्त हो जाएंगे। जब आप इसका सतत अभ्यास करेंगे तो भूतकाल अवचेतन द्वारा पूरी तरह भुला दिया जाएगा, याद नहीं रखा जाएगा। अवचेतन मन किस तरह हमारे शरीर के सारे काम को नियंत्रित करता है। जब आप जागृत अवस्था में होते हैं या गहरी नींद में सो रहे होते हैं, आपका अवचेतन मन हर समय आराम से, शांति से काम करते हुए चेतन मन की सहायता से आपके शरीर के महत्वपूर्ण कामों को नियंत्रित करता रहता है। उदाहरण के लिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिल धड़कता है, फेफड़े श्वास निश्वास का काम करते रहता है जिससे रक्त ताज़ी वायु अवशोषित करती है, और आपके जागने पर भी यह काम उसी गति से चलता रहता है। आपका अवचेतन मन आपके पाचन और ग्रंथियों के स्राव के साथ शरीर की अन्य रहस्यमय क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। आपके शरीर पर स्थित बाल भी आपके जागृत या सुप्त अवस्था में होने पर बढ़ते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जागृत अवस्था की बजाय जब हम नींद में होते हैं तो त्वचा से अधिक पसीना निकलता है। आपकी आँखें, कान, नाक आदि सभी इंद्रियाँ सोते समय भी काम करती रहती हैं। कई वैज्ञानिकों के उनके जटिल प्रश्नों या समाधानों के उत्तर तब मिले हैं जब वे गहरी नींद में थे। उन्हें दिखे किसी सपने में उसे सवाल का जवाब छिपा था। इस बार हम अध्याय 13 में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेखक नॉर्मन डोइज MD अपनी न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर बुक द ब्रेन दैट चैलेंज इट्सेल्फ में लिखते हैं, मस्तिष्क पर हुए हाल ही के शोध और लिए गए स्कैन से पता चला है कि जब हम निंद्रा की अवस्था में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क का भावनाओं, लैंगिक व्यवहार और उग्र व्यवहार के लिए उत्तरदायी हिस्सा अधिक सक्रिय रहता है। उसकी तुलना में प्री फ्रंटल वाला हिस्सा जो हमारी भावनाओं और वृत्तियों को बाधित करता है वह कम सक्रिय होता है। इस स्थिति में जब अवरोध कम सक्रिय और वृत्तियाँ अधिक सक्रिय होती तो नींद में आने वाले सपनों में जागरूकता और वास्तविकता भी अधिक होती है। शोध यह भी बताते हैं कि नींद हमारे मस्तिष्क में
स्नायु तंत्र का परिवर्तन करती है, जिसके द्वारा हमारे सीखे गए कौशल और स्मृति मजबूत होती है। यदि दिन में हम कोई कौशल सीखते हैं तो रात में सोते समय उस सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए सोते हैं तो दूसरे दिन हमारा प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। किसी समस्या को लेकर सोना अक्सर जागने पर समस्या हल के रूप में सामने आती है। अक्सर आपका चेतन मन आपके हृदय, फेफड़े, आमाशय आदि की सामान्य गति से चिंता, भय, परेशानी और दुख से संवाद करता है। ये विचार आपके अवचेतन मन के लयात्मक कार्य की प्रक्रिया को संतुलित करते हैं। जब मानसिक अस्वस्थता का एहसास होता है उस समय सबसे अच्छा उपाय होता है कि बातों को थोड़ी देर के लिए भूलना, शांत रहना और उन विचारों को स्थिर करने का प्रयास करना। अपने अवचेतन मन से संवाद करते हुए उसे कहें कि उसे अपनी शांति और लय और संतुलन को कायम रखना है। आप थोड़े ही देर में अपने आप को सहज होता महसूस करेंगे। आपके शरीर की प्रक्रियाएं भी सामान्य हो जाएगी। यह याद रखें कि अवचेतन मन में संवाद करते समय पूर्ण अधिकार और दृढ़ विश्वास से बात करें। आपका अवचेतन मन आपकी बात ज़रूर मानेगा। आपका अवचेतन मन आपको स्वस्थ रखने और आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आपको अपने बच्चों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है और जीवन को सुखी बनाने का ही प्रयास है। मान ले आपने गलती से खराब खाना खा लिया तो आपका अवचेतन उसे बाहर निकालने में आपकी मदद करेगा। यदि आप अनजान में इसका सेवन कर लेते तो अवचेतन की शक्ति इसके असर को उदासीन करने के लिए तत्पर हो जाती है। यदि आपको इस चमत्कारी शक्ति पर विश्वास हो गया है तो आप निश्चित रूप से स्वास्थ्य का लाभ उठा सकेंगे। अपने अवचेतन मन की ओर पूर्ण स्वास्थ्य का विचार कैसे प्रेषित करें? अपने अवचेतन मन को पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश भेजने का सबसे बेहतर तरीका है वैज्ञानिक या अनुशासित कल्पना करना। मैंने एक लकवे से प्रीत व्यक्ति को अपने मन में ऐसा चित्र बनाने को कहा जिसमें वो अपने दफ्तर चल फिर रहा है, टेबल को छू रहा है, टेलीफोन पर बात कर रहा है, वे सारे काम कर रहा है जो वह करता यदि वह स्वस्थ होता। मैंने उसे बताया कि यह विचार और पूर्ण स्वास्थ्य का मानसिक चित्र उसके अवचेतन द्वारा स्वीकार किया गया। उसने मेरे कहे अनुसार काम किया। वास्तव में यह महसूस करना शुरू किया कि वह दफ्तर में है। वह जानता था कि वह अपने अवचेतन मन को ऐसा विचार दे रहा है जिस पर वह काम करना शुरू कर देगा। उसका अचेतन मन वह स्थान था जहाँ पूर्ण मानसिक चित्र उकेरा जा रहा था। मानसिक चित्र और विचार प्रेषण की कई हफ्तों के सतत अभ्यास के बाद एक दिन एक योजना के तहत उसकी पत्नी और नर्स कमरे के बाहर थे और टेलीफोन ने सतत बजना शुरू किया। टेलीफोन उस व्यक्ति के बिस्तर से 12 फीट की दूरी पर था, मगर उसने किसी तरह उठकर उसका उत्तर दिया। उस घंटे में ठीक हो गया। उसके अवचेतन की उपचार की शक्तियों ने मानसिक चित्र के अनुसार प्रतिक्रिया दी और उपचार शुरू हो गया। उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ अवरोध था कि जिस वजह से निर्देश पांव तक नहीं पहुंच पा रहे थे और वह कहता था कि वह चल नहीं सकता। जैसे ही उसने अपना ध्यान अवरोध पर केंद्रित किया, उसका मानसिक चित्र बनाना शुरू किया और उपचार शक्ति उसके अनुसार काम करने लगी और उसे चलने योग्य बना दिया। ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, आपका अवचेतन मन शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है और आपकी हर परेशानी का हल जानता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को किसी इच्छा के बारे में बताना शुरू करें और उसकी चमत्कारी शक्ति को उस इच्छा की पूर्ति के लिए काम करता देखें। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी उकेरते हो उसका प्रभाव अंतरिक्ष के पर्दे पर आपकी परिस्थिति, अनुभव और घटनाओं के रूप में सामने आता है। इसलिए आपको अपने चेतन मन में चल रहे हर विचार और कल्पना को जांचनी चाहिए। क्रिया, चौथा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। आपका विचार क्रिया है और उन विचारों पर आपके अवचेतन मन पर दिया गया काम प्रतिक्रिया है। अपने विचारों को परखें। पांचवा है, जीवन में सारी निराशा इच्छाओं के पूरा न होने के कारण होती है। यदि
आपका ध्यान रुकावटों, देर और कठिनाइयों पर ही केंद्रित रहता है तो आपका चेतन मन आपके ध्यान का अनुसरण करते हुए आपके रास्ते बंद करता चलेगा। जीवन का सिद्धांत आप में लय और सुसंगति से प्रवाहित छठा बात है कि जीवन का सिद्धांत आप में लय और सुसंगति से प्रवाहित होगा। यदि आप सचेत रहकर लगातार कहते मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन में मुझे मैं जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन ने मुझे जो इच्छा दी है वह मेरे माध्यम से उसे पूरा भी करवाएगा। सातवां है, आपका चिंता, डर आदि भावनाओं को मन में लाकर हृदय, फेफड़ों आदि की समस्या आदि के समान क्रियाविधि में रुकावट डालते हैं। आपके अवचेतन को शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के विचारों से पोषित करें, आपके शरीर की सारी क्रियाएं सामान्य हो जाएगी। आठ, अपने चेतन मन को सर्वश्रेष्ठ पाने के विचारों में लगाएं। आपका अवचेतन मन किसी आज्ञाकारी सेवक की तरह आपकी इच्छा का प्रतिफल देगा। नौवां है, कल्पना में अपनी परेशानी का सुखद समाधान होते देखें, प्राप्ति के आनंद को महसूस करें। आप जो भी कल्पना और अनुभव करेंगे आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और उसे वास्तविकता में लाएगा। पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय छह, आदतों के प्रतिमान। पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती हैं। मैं एक बार फिर से इस अध्याय के शीर्षक को दोहराता हूँ, पहले हम आदतें बनाते हैं और फिर आदत हमें बनाती है। स्वअवधारणाओं की ही तरह जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे भीतर किसी भी आदत का विकास नहीं हुआ होता है। हमारी सारे आदतें विकसित की जाती है और एक बार ये आदतें विकसित हो जाती है तो उनमें से कुछ अधिक विकसित आदतें हमारे मूल व्यवहार में शामिल हो जाती है और वातावरण के प्रति हमारी प्रतिक्रिया आंतरिक धारणा का रूप ले लेती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस आदत के साथ जुड़े रहना है, यह चुनाव हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसी आदतें जो हमारे लिए उपयोगी है और हमें सहायता करती है उन्हें सौद्देश अभ्यास में लाया जाना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह यह ध्यान रखना चाहिए कि जो आदतें हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाती है उसे बदलने या त्यागने की क्षमता भी हमारे भीतर ही है। हमारी आदतों के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक आदतों में चलना, बातें करना, कार चलाना, खाना आदि जैसी हजारों बातों को लिया जाता है। नकारात्मक आदतों में हमेशा डर का भाव छिपा रहता है। इस अध्याय में हम इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। आदतों के प्रतिमान या पैटर्न बढ़िया होते हैं क्योंकि वे हमें एक साथ कई काम करने की अनुमति देते हैं। चूँकि हमें अपने चेतन मन में एक बार में एक ही विचार को धारण कर सकते हैं, अतः आदतों के प्रतिमान ना होने पर हम एक साथ या एक के बाद कई काम नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि कार चलाने की बात करें, जब आप पहली बार कार चलाना सीखा था तो आप कार में कूदकर चाबी लाकर चालू करके और ब्रेक से पांव हटाकर कार आगे नहीं बढ़ाई थी। आपको क्या करना है यह पता नहीं था, अतः अपने माता पिता की सलाह लेकर ड्राइविंग के सारे नियम जानने के बाद आपने कार चलाना सीखा। मगर इससे भी कुछ समय लगा, कई गलतियां हुई, ध्यान पूर्वक इसे सीखने की जरूरत पड़ी। पहली बार कार चलाते हुए मोबाइल पर बात करते समय किसी किताब को टेप सुनते हुए भी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। यह सब करते समय आपको ओवर स्टीयरिंग, जोर से ब्रेक लगाना, ढलान पर कार पार्क करने में गलती आदि से बचने के लिए बहुत प्रयास व अभ्यास की जरूरत पड़ी होगी। मेरी बेटी जूली और जिल अब भी मेरे द्वारा कराए गए अभ्यासों से नाराज होगी। चलिए, आपको मेरी बातों की दिशा समझ में आ गई। हम आदतों को विकसित करने के लिए निम्न बातों का अनुसरण करते हैं।
संबंधित जानकारी अभ्यास या दोहराव। स्नायुतंत्रीय दृष्टि से इसका अर्थ समझने के लिए लेखक डेनियल कोयल ने अपनी पुस्तक द टैलेंट कोड में कहते हैं, टैलेंट कोड क्रांतिकारी वैज्ञानिक खोज के आधार पर निर्मित होता है, जिसमें माइलिन नामक एक तंत्रिकीय विसंवाहक शामिल हो रहता है। इसमें कुछ तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ कौशल प्राप्ति का अचूक साधन मानते हैं, इसलिए मनुष्य द्वारा अर्जित कोई भी कौशल, चाहे वह बेसबॉल खेलना हो या बाघ का खेल हो, उसके लिए तंत्रिका का तंतुओं की एक महीन श्रृंखला तैयार होती है जिसमें सूक्ष्म विद्युतीय आवेग उपस्थित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी विद्युत परिपथ में कोई संकेत या प्रवाहित हो रहा हो। माइलिन का कार्य सारे तंतुओं को एक दिशा में जोड़े रखना है, जैसे कि हम किसी रबर टेप द्वारा तांबे के तार को जोड़ने का काम करते हैं, ताकि विद्युत आवेग रिसाव न हो और सारे सिग्नल शक्तिशाली और तीव्र बने रहें। हम किसी कौशल का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, अर्थात किसी परिपथ को जितना अधिक संचारित करते हैं, उतना माइलिन उस परिपथ के चारों ओर आवेग को जोड़ने का काम करता रहता है। ये आवेग जितने अधिक होंगे, हमारा कौशल उतना ही अधिक बढ़ेगा। हर एक आवेग कुछ और कौशल को जोड़ता जाएगा। माइलिन जितना अधिक सघन होगा, उतना ही वह रोधक होगा। इसी कारण हमारे विचार और कामों में गति आती जाएगी। कोयल आगे कहते हैं, यह परिवर्तन तीन साधारण तथ्यों पर आधारित होता है। पहला, मानव का हर एक विचार, कार्य और भावना वास्तव में तंत्रिका तंतुओं के परिपथ से निकलने वाली न्यूरॉन की श्रृंखला होती है। दूसरा, माइलिन किसी इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, जो तंत्रिका तंतुओं को आपस में जोड़कर उनकी शक्ति, गति और सटीकता को बढ़ाने का काम करता है। तीसरा, हम इस समय परिपथ को जितना अधिक सक्रिय बनाते हैं, माइलिन की मोटी परत मोटी होती जाती है और परिपथ बड़ा हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे विचार और कार्य अधिक तीव्र, तेज और शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारे वाहन चालन के उदाहरण में डाटा इनपुट के रूप में वे सारे निर्देश थे जो हम अपने पालकों, प्रशिक्षकों, बड़े भाई बहनों या मित्रों से मिले। दोहराव का कारण स्वयं वर्णित है। हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं कि हम दोहराव कारण स्वयं वर्णित है हम लगातार अभ्यास करते रहते हैं और समय के साथ हमारी आदत बन जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कोई काम कब आदत बन गई? जब वह काम करते समय उसके बारे में सचेत होकर सोचना नहीं पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि वह आदत बन गई है। हमें मिली सूचना अभ्यास के द्वारा हमारे अवचेतन में संग्रहित हो जाती है, अर्थात जब हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, तो बिना किसी निर्देशों के कार चला सकते हैं, साथी से बात कर सकते हैं, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, रेडियो पर कोई कार्यक्रम सुन सकते हैं। और आप कभी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं जहाँ पियानो वादन होता है, तो आपने देखा होगा पियानो वादन वादक अपने ग्राहकों से बातचीत करते समय भी सुंदर धुन बजा रहा होता है। वादक स्वयं किसी व्यक्ति से बातचीत करने में मशगूल है, मगर उसकी उंगलियां पियानो के कीबोर्ड पर बिना कोई गलती के फिसलती जा रही है। यह कहने की जरूरत नहीं है पियानो वादक ने यह कौशल पहले से ही अर्जित किया होगा। उसने धुन को गहराई से समझा होगा, सुना होगा बिना किसी से बात किए, और लगातार अभ्यास तब तक किया होगा जब तक कि धुन को प्रवाह में ना बजा ले। उसे बजाने के लिए उसे सोचना ना पड़े, तब यह उसकी आदत में आ चुका होगा। इसी उदाहरण में यदि कोई ऐसी धुन दी जाए जिसे पहले न बजाया तो वह धुन को पढ़कर देखकर पियानो पर बजा लेगी, मगर उस समय किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस धुन को पढ़ने में होगा। कुछ टाइपिंग सीखते समय भी होता है। पहले हम निर्देशों के अनुसार टाइपिंग सीखते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, फिर हम टाइपिंग करने लगते हैं। पहले कई बात को पुनः दोहराते हैं। आदतों के प्रतिमान में हमें एक साथ कई काम करने की अनुमति देते हैं, वह भी बिना किसी सचेत विचार के। पर अब हम विचार करेंगे कुछ आदत, विशेषतः नकारात्मक आदत, किस तरह आपके व्यवहार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और कुछ निर्देश हमारे लिए किस तरह हानिकारक हो सकते हैं। मुझे बुरी आदतों के बारे में
एक टिप्पणी करने दे। बुरी आदत बस बुरी आदत होती है जिन्हें समय के साथ व्यक्ति विकसित करता है और अब उन्हें चाहकर भी दूर नहीं कर पाता। पेशेवर लोग इसे लत या व्यसन भी कहते हैं, मगर अपने आप को किसी भी बुरी आदत की पकड़ से छुड़ाने के लिए भी हम वही तरीके और तकनीकें इस्तेमाल करते हैं जिसे इस पुस्तक में अध्याय 8 में भी पुष्टि और इसकी तकनीकें शीर्षक में दिया गया है। आधार यह है, जब आप किसी पुराने या बेकार विश्वास, व्यवहार या आदत जिसके आप अब तक आदि थे का गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी ही जानेंगे कि स्वयं को इस बोझ या कवार से दूर कैसे करें जिसे आप अपने जीवन के अब तक के सफर में इकट्ठा कर लाए हैं। यह काम ऐसा कठिन नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हैं। जिसे करने के लिए आपको तिब्बत की गुफाओं में तपस्या कर रहे साधु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अब नकारात्मक आदतों के नमूने पर आते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि नकारात्मक आदतों के नमूनों में डर का तत्व शामिल रहता है और अधिकांश मामलों में हमारे भीतर की नकारात्मक आदतें हमारे अंदर तब से डाली जाती है जब हम 6 वर्ष से कम आयु के होते हैं। हम इस आदत में कैसे पड़े, यह हमारी स्मृति में धुंधला हो चुका होता है क्योंकि हमें यह नहीं पता होता कि यह डर की आदत हमने कैसे विकसित की। अतः हमारे भविष्य के निर्णय और व्यवहार इससे प्रभावित होते हैं। 6 वर्ष की आयु के बाद हो सकता है कि हमारे मन में किसी खास वस्तु या व्यक्ति के प्रति डर उत्पन्न हो जाए, मगर इस डर का कारण या घटना की स्मृति बिल्कुल ताजी ही होगी। ऐसी स्थिति में हमारी परिभाषा के अनुसार यह आदत नकारात्मक आदत के नमूने की श्रेणी में नहीं आएगा। नकारात्मक आदत के 2 नमूने या प्रतिमान होते हैं, आवेशपूर्ण इनहिबिटिव और बाध्यकारी यानी कंपल्सिव। आवेशपूर्ण आदत के नमूने, आवेशपूर्ण आदतों में यह भाव उपस्थित रहता है कि मैं नहीं कर सकता या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। अधिकांश मामलों में वयस्क अवस्था में मन में छिपे हुए डर वास्तव में बचपन में घटी किसी घटना से उत्पन्न हुए अभिघात का ही परिणाम होते हैं जिसे दबाया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को तैरना सीखते समय तरण ताल में गिरने के अनुभव से मन में डर बैठ गया। तैरना सीखने से पहले ही तरण ताल में डूबने का अनुभव किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए डरावना हो सकता है, मगर 6 साल की आयु के बाद भी उसके मन में डर की स्मृति बनी रहती है। धीरे धीरे यह एक डर में बदल जाती है जिसके तहत वह तैरना यहाँ तक कि पानी के पास जाने से डरने लगता है। इस तरह छोटे बच्चे के मन में प्राण घातक घटना का डर हमेशा बन बैठ जाता है। जब यह बच्चा वयस्क होता है तब भी यह डर उसके मन में मौजूद रहता है और वह पानी से डरता है, भले ही इसका कारण ना मालूम हो कि यह डर बचपन में घटी किस घटना का परिणाम है। उसके मन में पानी को लेकर आवेशपूर्ण नकारात्मक विचार व्याप्त होते हैं। जैसे वह पानी के पास जाता है, ये विचार उसे पानी से दूर रखने की हिदायत देते हैं, मैं पानी में नहीं जा सकता या पानी में जाते हैं मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। एक वयस्क जो छोटी जगहों में जाने से डरता है, उसके पीछे बचपन की कोई घटना जिम्मेदार होती है। हो सकता है कभी दुर्घटनावश या जानबूझकर अपने शयन कक्ष में कोठरी बंद हो जाए और किसी खराब हो रहे एलिवेटर में अटक जाए। किसी छोटे बच्चे के लिए दुर्घटनाएं बहुत ही भयावह हो सकती है। वयस्क होने तक बच्चे बचपन की स्मृति दब जाती है या वयस्क व्यक्ति को भीड़ भाड़ या सक्रिय जगहों पर जाने में असहज या महसूस हो सकता है या डर सा लगता है। मैं उस अंधेरे या कमरे कक्ष में नहीं जाना चाहता या वहाँ जाने पर मेरे साथ कुछ गलत घट जाएगा। ये आवेशपूर्ण नकारात्मक आदतों के कुछ उदाहरण हैं जिनमें भय का अंश समावेशित रहता है और इस भय के पीछे बचपन कुछ घटनाओं की स्मृति छिपी रहती है। डॉक्टर मर्फी ने इस पुस्तक के अध्याय 21 में इस तरह डर से बाहर निकालने कुछ तरीके सुझाए हैं। बाध्यकारी कंपल्सिव नकारात्मक आदत के नमूने। बाध्यकारी नकारात्मक आदत कहती है, मुझे कुछ करना चाहिए या मेरे साथ कुछ बुरा घटने वाला है। बाध्यकारी नकारात्मक आदत के यूँ तो कई प्रकार हैं, मगर उनमें से 3 सामान्य प्रश्न
अक्सर देखे जाते हैं। बाध्यकारी समय निष्ठता, बाध्यकारी आदेश पालन, बाध्यकारी सक्रियता। याद रखें, अधिकांश आदतें हमारे अंदर 6 साल की आयु तक बोधी जाती है। अर्थात देखें, कोई व्यक्ति किस तरह बाध्यकारी समय निष्ठता का शिकार होता है, अर्थात हमेशा ये सोचता है मुझे समय पर पहुंचना ही होगा अन्यथा। चूँकि ये आदतें हमारे अंदर 6 साल की आयु में डाल दी जाती है, जाहिर है कि ये आदतें अपने माता पिता की अभिभावकों से ही मिलती है। यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि जिन पालकों ने हमारे अंदर इन आदतों को डाला है वे स्वयं ही इस आदत के शिकार होते हैं। अब हम देखते हैं कि जिमी नामक बच्चा किस तरह 6 साल पहले ही बाध्यकारी समय निष्ठता और कंपल्सिव पंक्चुअल का शिकार हो गया। जैसा कि स्पष्ट है कि उसके पिता सनक की हद तक समय निष्ठ थे। वह सारे घर में तूफान उठा दिखाते थे, यदि तुम समय पर नहीं आ सकते तो जल्दी आ जाया करो। बेचारे जिमी को कोई मौका नहीं मिला। एक बार 4 वर्ष की आयु में वह अपने पड़ोस में खेल रहा था और खेलते खेलते समय का ध्यान ही न रहा। वह रात खाने के लिए 15 मिनट देर से पहुंचा। पहली बार उसने पिता का भाषण सुनने को मिला, दूसरी बार उसे धमकाया गया जैसे उसे उसके कमरे में भेज दिया गया, या वह सब जो एक अच्छे प्यार करने वाले मगर सन की पिता कर सकते हैं। तीसरी बार पिता अपना आपा खो बैठे और इसके बाद समझने में देर नहीं लगे और उसने अपने भीतर नकारात्मक आदत विकसित कर ले, मुझे समय पर पहुंचना है नहीं तो। और इस रिक्त स्थान को भरना 4 साल के बच्चे के लिए अच्छा नहीं था। यह इस बात का बढ़िया और स्पष्ट उदाहरण है किस तरह 6 साल से कम आयु में किसी के भीतर नकारात्मक आदत को डाली जा सकती है जो आगे जाकर भय पैदा करने लगती है। आप कहेंगे तो क्या, यह मुझे बड़ा होने से कैसे प्रभावित कर सकता है? इसका उत्तर है उसी तरह जैसे जिमी के पिता को प्रभावित किया। वे इस आदत को चलते जिमी के देर से आने पर समझदारी से काम न ले सके। ओमेगा के संस्थापक जॉन बॉयल ने सैन डिएगो के पुलिस विभाग के साथ बहुत काम किया। उन्होंने सीखा कि डिएगो में होने वाली वाहन दुर्घटनाओं में 80% दुर्घटनाएं केवल इसलिए होती है कि वाहन चालक बहुत जल्दी में रहते हैं, अपने तय समय से देर चल रहे होते हैं। देखें कि किस तरह बाध्यकारी समय निष्ठा की आदत व्यक्ति को उसके प्रमुख कारक मिलने से के लिए यह महसूस होती है उन्हें देर ना हो जाए। वह बेवजह भय की गिरफ्त में आ जाता है और कहीं उसका ग्राहक विमुख ना हो जाए। ऐसा हुआ तो मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा, पत्नी उसे तलाक दे देगी वगैरह वगैरह। वह तत्कालिक रूप से नासमझ बन जाता है और वाहन बहुत तेज चलाता है, लाल बत्ती को भी पार कर जाता है और दुर्घटना का शिकार बन जाता है। इस आदत की पकड़ से निकालने के लिए भी पुष्टि करनी होगी। वह यह कि समय पर पहुंचना अच्छा है मगर हर हालत में पहुंचना ही है यह जरूरी नहीं। हम अन्य 2 आदत बाध्यकारी आदेश पालन और बाध्यकारी सक्रियता के बारे में बात करेंगे। 4 साल की मेरी माँ साफ सफाई की सनक से प्रीत है। वह लगातार घर को व्यवस्थित करती रहती है। उसे यह चिंता रहती है कि कहीं कोई वस्तु अपनी जगह से हिली तो नहीं या व्यवस्थित तो नहीं। भगवान ना कर यदि नन्ही मेरी किसी दिन अपना बिस्तर समेटना भूल जाती है और उस रात को पहनने वाली पोशाक नाइटी भी बिस्तर पर पटक जाती है, क्योंकि शायद उसके पिता सारे बच्चों पर चिल्ला रहे हो जल्दी चलो नहीं तो स्कूल के लिए देर हो जाए। माँ मैरी की कमरे की हालत देखकर सारा दिन गुस्से में तमतमाई रही कि कब मैरी आया और कब वह उस पर काम के लिए बरसे। अब आगे की सारी बात आप खुद समझ जाएंगे। बाध्यकारी सक्रियता की आदत उन पालकों द्वारा डाली जाती है जो स्वयं सारा समय किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं। वे न तो कभी आराम करते न ही थोड़ा समय अपने लिए निकालते हैं। उनके घर में संवाद कुछ इस तरह होता है, क्या तुम दिन भर खाली बैठी बस टीवी कार्टून देखने वाली हो? क्या तुम्हें वे पुस्तकें क्यों नहीं पढ़ती जो मैंने तुम्हारे लिए लाया था? पिता अपनी रूम में शायद भूल जाते हैं कि 4 साल जिमी और मेरी अभी तक पढ़नी नहीं सीखी, या फिर तुम खेल का अभ्यास क्यों नहीं करते? मैं और इस तरह से आदेश क्रम चलता रहता है।
अपनी नकारात्मक आदतों के नमूनों को पहचानने के दो चरण हैं। पहले, अपने भीतर की बाध्यता को दूर करने का प्रयास करें। समझदार की तरह व्यवहार करते हुए उस आदत में से कुछ भी शनक या बाध्यता है उसे समझें। दूसरा, अपने परिवार में चली आ रही परंपरा को तोड़े, अन्यथा जब आपके बच्चे होंगे या हैं तो आप इन आदतों को अपने बच्चों में भी विकसित करेंगे। अब तक हम थोड़ा बहुत इस बारे में जान चुके हैं कि हमारी स्व अवधारणाएँ किस तरह बनती है, वे कैसे हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करती है, सकारात्मक आदतों का महत्व और उनके लाभ, और नकारात्मक आदतों द्वारा हमारी राह में लाए जाने वाले अवरोध किस तरह काम करते हैं। अब हमारे चेतन और अवचेतन मन क्या है, उनका संवाद कैसे होता है, और वे इस संवाद द्वारा किस तरह हमारे कार्यों को चुनाव को तय करती है, इस बारे में